أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين صدق الله العظيم. रहीम बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब. अस्सलाम वालेकुम. ये क्या बात हुई, तालियां तो बजी नहीं, कुछ पता ही नहीं चला. अस्सलाम वालेकुम. तबीयत कैसी है आप लोगों की? बिल्कुल ठीक है. रोजा है? हाथ उठाइए जिन जिनका रोजा है. कुछ लोग हैं जिनका नहीं है, हाथ उठाइए जिन जिनका रोजा. जरा ऊंचा और ऊंचा हाथ ताकि मुझे नजर आ सके. बाकियों का नहीं है? बाकियों का नहीं है. अच्छा, जो रोजेदार है उनके लिए तालियां बजाइए. ओके. पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत जो है वो जरा खराब चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांसमिशन जो है वो अच्छी नहीं हुई. ट्रांसमिशन पूरी दिल जान से करेंगे. आज तो वैसे भी पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है ना, कौन जीतने वाला है? ये कोई पूछने वाली बात है? कौन जीतेगा? एक बार फिर बोलो, कौन जीतेगा? क्या बात है, मर्द क्यों नहीं बोल रहे? कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा, 100% पाकिस्तान जीतेगा. और फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान जीत जाता है आज का सेमीफाइनल, तो फिर उसके बाद फाइनल के अंदर पाकिस्तान खेल जाएगा. और अगर फाइनल हमारा इंडिया से हो गया तो कौन जीतेगा? जीत जाएगा ना. ओके ओके ओके. अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप लोगों का वैसे रोजे कैसे गुजरे? आज 18वां रोजा है, सुकून से गुजरा रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह. लाइट वाइट कहीं खुदा ना खास्ता आ तो नहीं गई आपके यहाँ? बता दीजिएगा, कहीं को खुदा ना करे किसी ने बत्ती आपको बिजली फराहम तो नहीं कर दी? नहीं की ना. बस ठीक है, बस ठीक है. लेकिन बिल देखे पूरा आता है महीने में, महीने के एंड पे बिल पूरा आएगा. जो आपके जहन ने सोचा नहीं होगा, आप खुद भी हैरत करेंगे बिल देखे कि इतनी बिजली तो हमने इस्तेमाल ही नहीं की है, ये कैसे आ गया. अच्छा, खुदा ना खास्ता कहीं पानी तो नहीं आ गया आपके घर? बिल्कुल नहीं ना. हम अभी तक टैंकर पे ही गुजारा कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. ये बात बड़ी अच्छी है, बिकॉज मुझे कहीं डर लग गया था कि कहीं उनके दिल में खौफ खुदा पैदा ना हो जाए. नहीं नहीं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि अल्लाह करे पैदा हो जाए, लेकिन यू नो मुझे देखिए बहरहाल. अच्छा, ये बताइए महंगाई का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा आप किसी और जगह रह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा ना. लग रहा है ना कि रमज़ान आते ही चीज़ें महंगी हो गई हैं?
मुबारक हो, तालियां बजाइए अपने लिए। आप उसी जगह रह रहे हैं जहां आपको रहना चाहिए। हाँ तो और क्या, मतलब आप सोच के देखिए, क्या क्या ऐसी चीज है जो महंगी नहीं हुई है? बच्चों के कपड़े से लेकर खजूर तक सभी तो महंगा हो गया। एक सस्ती है वो तो सिर्फ गरीब की जान है, वो सस्ती है कि नहीं? गरीब की जान, तालियां बजा दो गरीब की जान पे यार। गरीब की जान बड़ी सस्ती है, कभी हीट स्ट्रोक में मर जाता है, मर जाता ना। और फिर सारे जिनके पास पैसा होते हैं वो आपको बताते हैं हीट स्ट्रोक में आपको बचाव के लिए क्या करना चाहिए। वो बेचारा दाल रोटी के लिए बाहर निकला हुआ है, उसको बता रहे हैं कि तुमने क्या करना चाहिए। अगर वो दाल रोटी नहीं कमाएगा तो उसके घर में कोई आके देने वाला तो नहीं है, कोई देने वाला है? तो यार जब मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं तो तुम अपने लिए क्यों नहीं बोल सकते, तालियां क्यों नहीं बजा सकते? अच्छा फिर इसके बाद हम पकड़ते किनको हैं? उनको पकड़ते हैं जो बेचारे कुंडा डाल रहे होते हैं, जिनके घर में एक बल्ब भी नहीं है, हम उनको पकड़ रहे होते हैं। जो पूरी की पूरी चीजें बेच के खा गए उन्हें हम दोबारा हुकूमत में ले आते हैं। अजीब सी बात है। हाँ अगर आप लोग ये हैरत कर रहे हैं कि मुझे क्या हुआ है आज, तो कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं बस। अगर मेरी तबीयत 3-4 दिन इसी तरह से और खराब रही तो यकीन जानिए मैं बहुत कुछ कह दूंगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए। एनीवे, आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने एक बड़ा अजीब मंजर देखा। एक शख्स जो थे मोटर बाइक पे अपनी एक अदद बीवी और 5 बच्चों के साथ एक ही बाइक पे जा रहे थे, और वो जापान ने बनाई हुई थी बाइक। इमेजिन कीजिए जापानियों को लाके दिखाया जाए कि इस बाइक का हशर क्या होता है, तो वो कानों को हाथ लगा देंगे, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन आफरीन है उस मर्द पे, ये उस मर्द के लिए तालियां जो 4 बच्चे और एक बीवी के साथ एक ही मोटर बाइक पे बैठ जाता है। आफरीन है उस आदमी पे यार। और फिर जिस अंदाज में बैठे होते हैं ना, एक हमारे यहाँ बैठने का तरीकेकार बड़ा मतलब जबरदस्त है। यू नो ऐसा लगता है जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठे सोफे पे ना। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि ऐसे ऐसे कैसे बैठा जा सकता है, बट बैठा जाता है हमारे यहाँ। दैट्स अ गुड थिंग, एज अ गुड थिंग। हमारे यहाँ बड़ा कल्चर का ख्याल रखते हैं, हमारे कल्चर में बैठा जाता है, दुनिया में और कहीं नहीं बैठा जाता ऐसे बाइक पे हमारे यहाँ। और ये इस बात के लिए भी बैठा जाता है ताकि मर्द को अंदाजा हो सके कि उसने कहीं इधर उधर नहीं जाना, आना जाना कहीं नहीं है। तो दैट्स वाई बेचारा बैलेंस करके चलता रहता है। लेकिन एनीवेज ये तो सारी मजाक और ह्यूमर की बातें थी। जब जहाँ तक रमजानों का ताल्लुक है, 18 रोजे गुजर गए, हमको पता भी नहीं चला, नहीं पता चला ना। अब बस सिर्फ या तो 11 रोजे रह गए या 12 रोजे रह गए, और उसके बाद फिर कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? 11 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अब ये जो बाकी दिन बचे हैं इसे इबादतों में गुजारिए, एक दूसरे से मोहब्बतों में गुजारिए, एक दूसरे की गलतियां जो हैं वो माफ़ करें, और गुजारिए इस बात का ध्यान रखने में कि हो सकता है हम आपको उम्रे के टिकट्स दे दें। अच्छा जी, हमारे साथ उरूज हैं, बहुत सारी तालियां उरूज के लिए, बहुत सारी तालियां। हमारे साथ महमूद मदनी साहब मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां मदनी साहब के लिए। हमारे साथ सलमा आपा मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां सलमा आपा के लिए। हमारे साथ जमाजकी ताजी साहब मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां उनके लिए। और उन्हीं से शुरू कर लें क्या? शुरू कर लें किस बस शुरू कीजिए फिर आपसे। बाकी तमाम लोगों का तारुफ मैं भी आके करवाता हूँ, सही हो बल्कि करवा ही देता हूँ। अहमद मौजूद है, अहमद के लिए तालियां। उमेर मौजूद है, उमेर के लिए बहुत सारी तालियां। सलमान मौजूद है, बहुत सारी तालियां। अफकोर्स अक्सा मौजूद है, बहुत सारी तालियां। अलमास मौजूद है, उनके लिए बहुत सारी तालियां। एंड अफकोर्स सना मौजूद है, बहुत सारी तालियां उनके लिए। कामी और शामी मौजूद है, उनके लिए बहुत तालियां, और अपने लिए बजाइए खुल के। Ya Allah.
करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं नियत मेरी भर जाती है। Yeah.
करम रब के हबीब रूह अदब जाने अदीब तुम ही तो हो सब के हबीब सल्लल्लाह सैयद मुर्सलीन सल्लल्लाह सैयद मुर्सलीन सल्लल्लाह सैयद मुर्सलीन सल्लल्लाह सैयद मुर्सलीन मक्की मदनी जन्नत के धनी मक्की मदनी जन्नत के धनी तुम दोनों जहां के हो मुख्तार मोरी नैया लगा दो अपने कर्म से पार या शाह उमम एक नजर करम या शाह उमम एक नजर करम मोरी लाज तुम्हारे हार सरकार मोरी नैया लगा दो अपने कर्म से पार मोरी नैया लगा दो अपने कर्म से पार बहुत खूबसूरत माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तालियां नहीं सुभान अल्लाह जरा आवाज़ बुलंद कहना सुभान अल्लाह और जरा जोर से कहिएगा सुभान अल्लाह सारे मिलके कहिए चाहिए ना उमरे का टिकट तो चाहिए ना किसको चाहिए उमरे का टिकट सारे हाथ उठ गए तो सारे मिलके बोलेंगे सुभान अल्लाह बोलिए अच्छा अब आपकी नजर में कुछ कर रहा हूं एक नज़्म है जो मैंने बहुत पहले अपने बचपन में पढ़ी थी बचपन से एक अजीब सी आदत थी कि मैं अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे बोलना है मुझे बात करनी है ये जो हमारे यहां अक्सर लोग बैठ के तकरीर करते हैं और आप समझें इस बात को ये जो बहुत बड़े बड़े लोग आपके मसाइल हल करने की बात करते हैं दरअसल ये आपके मसाइल को जानते नहीं ना इनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं ना ये आपके हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं इनका कोई पकड़ा जाता है तो वो हीरो बन जाता है आपका कोई पकड़ा जाए तो उसकी बेल तक नहीं हो पाती आपके घर में लाइट नहीं है तो यह खबर नहीं है लेकिन इनके घर में लाइट ना हो तो यह बहुत बड़ी खबर बन जाती है अगर आपका कोई हादसे में मर जाए तो खामोशी से दफना दिया जाता है और इनका कोई मर जाए तो वो उसे भूलने नहीं देते चाहे कोई भी हो इट डजंट मैटर साहिर लुधियानवी ने एक नज़्म कही थी उस नज़्म का उनवान था मादाम आज आपके सामने पेश कर रहा हूं आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादा नूरे सरमाया से है रूए तमद्दुन की जिला हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा सच तो कहते हैं कि नादारों की इज्जत कैसी
लोग कहते हैं मगर आप अभी तक चुप हैं। आप भी कहिए गरीबों में शराफत कैसी। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते हो मगर नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें जीस्त के अदवार परखने होंगे। अपनी जिल्लत की कसम आपकी अजमत की कसम हमको ताजीम के मयार परखने होंगे। हमने हर दौर में तजलील सही है लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को जिया बख्शी है। हमने हर दौर में झेले हैं मेहनत के सितम। हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है लेकिन लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी। मैं जहां हूं वहां लोग न बसते होंगे। आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा। सच तो कहते हैं नादारों की इज्जत कैसी। आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते हैं। भाई के लिए बहुत सारी तालियां एक बार फिर। अच्छा आप रिवायत टूटने नहीं देते। आपने भी कसम खाई हुई है कि आप रिवायत टूटने नहीं देंगे। अच्छा दो माइक्स दे दीजिए जरा। ये बताइए शायरी का शौक किसे है। अशार का शौक किसी को है। कोई सुना सकता है अच्छे से अशार। आप सुना सकते हैं और यहां पर आप सुना सकती हैं। दीजिए भाई इनको माइक दीजिए। इन्हीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं जी। आपको नहीं है ओके। पीछे 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 दे दीजिए। कर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। वाह 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 क्या बात है जी। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के पर्वत पर तू शाही है बसेरा। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी। कसर सुल्तानी का पर्वत नहीं होता गुम्बद होता। कसर सुल्तानी के गुम्बद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इंशाल्लाह आज हमारे शाहीन भी खेलने जा रहे हैं। लेट्स सी। हाँ जी। बंद कर दिया सपेरों ने सांपों से ये कहकर इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। इसको सही कर लें शेर को। पहले भी सही करवाया था। मुकय्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने इंसान ही काफी है। नहीं सुन लीजिए पहले मेरे पीछे पढ़िए। मुकय्यद कर दिया। मुकय्यद कर दिया सांपों को। सांपों को ये कहकर। ये कहकर सपेरों ने ये इंसानों को। ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। मौसम है। मुकय्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। हाँ जी। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते भी झड़ जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते भी झड़ जाते हैं। नए जब दोस्त मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। अरे वाह क्या बात है। ऐसा हो ही ना जाएगा। वैसे एक बात है हवा जब तेज चलती है तो हमें एहसास होता है कि लोड शेडिंग के बाद अल्लाह मियां ने रहमत बरसाई है। हाँ जी। झपटना पलटना पलट कर झपटना क्या झपटना पलटना पलट कर झपटना
लहू गर्म रखने का है एक बहाना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जी जी उनको भी दे दीजिए। जी कहाँ है, कहाँ है? जी जी बोलिए। फराज तर के ताल्लुक तो खैर क्या होगा, यही बहुत है कि कम कम मिला करो उससे। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ जी जी। अंदर के मेलेपन का मिले किस तरह सुराग, अंदर के मेलेपन का मिले किस तरह सुराग, अंदाजा लोग करते हैं उजले लिबास से। अंदाजा लोग करते हैं मेलेपन का, मेलेपन नहीं मेलेपन का। जी वालेकुम सलाम बहन। कोई मुंतजिर है कितना उसकी शिद्दत से, कोई मुंतजिर है उसका कितनी शिद्दत से, वो जानता है फिर भी अनजान बना रहता है। शायद उसकी को मजबूरियां होंगी, हो सकता है ना। हाँ जी हाँ जी प्लीज। लहलहाती शाख को समझती थी मैं जिंदगी, लहलहाती शाख को समझती थी मैं जिंदगी, पत्ता जब गिरा मुझे दर से फना दे गया। क्या बात है, पत्ता जब गिरा मुझे दर से फना दे गया। हाँ जी। मगध को बाग में जाने ना देना। किसको? मगध को बाग में जाने ना देना। मगध मीम गाव। अच्छा मग, ओके। शहद की मक्खी। जी जी जी। मगध को बाग में जाने ना देना कि ना खून परवानों का होगा। सुभानअल्लाह। अल्फाज के गहरे रंगों में, अगराज के गहरे पर्दों में, हर शख्स मोहब्बत करता है हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, मुझे वाकई शेर बहुत अच्छा। शेर जो साहिर भाई के लिए है। तारों के टूटने को तुम गौर से न देखो, तारों के टूटने को तुम गौर से न देखो, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से। अरे वाह वाह, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मिसेस मीना नैयर। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, अंदाज आपका बहुत अच्छा है। वाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुद सरी को कर बुलंद इतना हर खुद तक। सरी को नहीं, खुद ही को। खुद ही को। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ लेकिन जज़ाकअल्लाह। जज़ाकअल्लाह बहुत। जी जी। जब ज़बा अस्तराब करती है रहमते हक माफ करती है, जिनके दिल में हो यादे सल्ले अला उनका रहमत तवाफ करती है। वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात। चार तारों की बात होती है। हाँ हाँ। सामने जब वो जात होती है। वाह। ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है, या ऐसा लगता है जब दिन निकल आया जब मोहम्मद की बात होती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। बिल्कुल सही। जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई ये हाबिल और काबिल पर शेर है। अच्छा। परेशान फिर रहा था लाश लेके अपने भाई की, कुछ इस अंदाज से हरसो हविस ने गुल खिलाया था, बशर की अक्ल पे मातम न करते और क्या करते, हमें तो लाश दफनाना भी कौओं ने सिखाया था। क्या बात है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। दो ही लम्हे जिंदगी में मुझ पे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे जाने से पहले, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, किसके पास है माइक? माइक किसके पास था जरा बता दीजिएगा मुझे। जी 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 जी, यहाँ पर किसी के पास था, उधर था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसी अयारी और मकारी है, वाह, के इंसान इंसान का शिकारी है। अरे क्या बात है। या रब दिले मुस्लिम को ये जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे।
क्या बात है, वाह वाह, और आपका अंदाज बहुत अच्छा है, कमाल पढ़ रहे हैं, कमाल पढ़ रहे हैं। जरा पीछे से भी ऑन कर दीजिएगा इरफान भाई सब। जी बताइए। तू कादर व आदिल है मगर तेरे जहां में तलख बहुत बंदा मजदूर के औकात, कब डूबेगा जरदारी और नवाज शरीफ का सफीना। अरे के भाई के दुनिया है तेरी मुंतजर। अच्छा, पहली बात तो ये कि ऐसे ऐसे ना किया करें, किसी के बारे में भी आप लोग कोई भी बात कर देते हैं ऐसा ना करें। और दूसरी बात ये कि ऑनेस्टली हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों की। सिस्टम्स बुरे हैं, सिस्टम्स ज़ाहिर ख़राब हैं, उसमें किसी एक फ़र्द वाहिद का नहीं हो सकता वो सिस्टम, उसमें हम भी तो ज़िम्मेदार हैं ना। हमारी अपनी, हम अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में तो बात नहीं करते, तो बराए करम प्लीज़ इस किस्म की कोई बात ना करें जिससे किसी की भी डायरेक्टली दिल आज़ारी होती है, ऐसा नहीं करें। जी होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ, मेरी तो ज़िंदगी है फ़कत आप ही के साथ, इतना करम हो और मेरी ज़िंदगी के साथ, ज़िंदा अगर रहूँ तो तुम्हारी खुशी के साथ, मैं क्या बताऊँ तमन्नाए ज़िंदगी क्या है, हुजूर आप सलामत रहें कमी क्या है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जहां में दीदवर पैदा, चमन में दीदवर पैदा, जहां में नहीं चमन में दीदवर पैदा। जी जी जी। अल्लाह को पामर्दी ये मोमिन पे भरोसा है, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन, और कौन? साहिर भाई ये आपके लिए शेर। ओके। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, साहिर भाई लाखों में एक। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, साहिर भाई लाखों में एक। हाँ जी। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। और कोई रह तो नहीं गया, बताइए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम सलाम। करते हैं लोग माल जमा या किस लिए, सिलता है आदमी का कफन जेब के बगैर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही, मेहनत करना सीख लो, वजह तलाश ना करो। ये तुमने शेर पढ़े? चलो अच्छा। हाँ। मेरी जुबान पे जिक्र शाह लाफता है आज, मेरी जुबान पे जिक्र शह लाफता है आज, मुझसे किसी जरी ना भगोड़े की बात कर, एक छलांग में यसरब से खैबर पहुंच गया, हैदर को छोड़ तू घोड़े की बात कर। जी। कि मैं ये नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, उनकी सीरत आईना है, आईना देखा करो, अरे बात तो जब है कि ऐसा राबिता पैदा करो, वो तुम्हें देखा करें और तुम उन्हें देखा करो, और गुम्बदे खिजरा के साए में बैठकर तुम आए हो तो हर तरफ क्या देखते हो, बस उस तरफ देखा करो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम सलाम। साहिर भाई मैं आपके लिए शेर सुनाऊंगी। हाँ जी। फूल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन गुलाब जैसा नहीं होता, होस्ट भी बहुत सारे होते हैं लेकिन साहिर भाई जैसे नहीं होते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कौन? बस डन, इधर कोई नहीं है ना। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने मन में डूब कर पा जा सुराख जिंदगी, मेरा ना बन ना बन अपना तो बन। नहीं नहीं नहीं, अल्लामा इकबाल हैं, क्या कर रहे हैं आप। अपने मन, इनको दें माइक, दें माइक, दें माइक, दें माइक, दें माइक, दें। अपने मन में डूब कर पा जा सुराख जिंदगी जी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। हाँ, मैंने ऐसे ही पढ़ा था। हाँ, तो कहाँ से, कैसे पढ़ा था तुम? पता नहीं। कैसे पढ़ सकते हैं आप ऐसे? हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कैसे? वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी। प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब की गजल के चार अशआर हैं सर। मुझे अपने जब पे नाज था सरे बज़्म रात, ये क्या हुआ, मेरी आँख कैसे छलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ, मुझे आप क्यों ना समझ सके, आप अपने ही दिल से पूछिए, मेरी दास्तान हयात का तो वर्क वर्क है खुला हुआ। सुभान अल्लाह। मुझे जो भी दुश्मन ने जा मिला वही पुख्ता कारे जफा मिला, ना किसी की जर्ब गलत पड़ी, ना किसी का तीर खता हुआ। वाह 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 वाह। मुझे एक गली से पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत, क्या बात है, ये शेर दोबारा पढ़िए। कहीं दिल से लिखा हुआ, दोबारा पढ़िए, आंसुओं से मिटा हुआ। दोबारा दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए ये वाला शेर। हाँ यही वाला।
मुझे एक गली से पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खूने दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। अब इसको सही कर लीजिएगा, मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला। मेरा अपना एक शेर है खत के ऊपर, वो सुना देता हूँ। इरशाद, खत लिख रहा हूँ डरते डरते, अच्छा कहीं तुम फाड़ ना दो पढ़ते पढ़ते। वैसे आजकल एसएमएस का दौर है, खत लिखना छोड़े, एसएमएस या व्हाट्सएप करें, पकड़े भी नहीं जाएंगे। जी, ना अमीर हो ना रईस हूँ, ना बादशाह हूँ ना फकीर हूँ, मैं सल्तने मोहम्मदिया का एक अदना सा फकीर हूँ। क्या बात है, क्या बात। पाते हैं कुछ बला, पाते हैं कुछ गुलाब पहाड़ों में परवरिश, और आती है उनकी खुशबू पत्थरों से कभी कभी। क्या बात है। अच्छा, मैं एक चीज सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये साहिर की एक बहुत तवील तरीन नज्म है, लेकिन मैंने इसे बहुत शॉर्ट कर दिया है। आपको सुना रहा हूँ कि जंग हमेशा बुरी होती है और जंग नहीं होनी चाहिए। साहिर ने ये उर्दू की तवील तरीन नज़मों में शुमार की जाती है। उस जमाने में बहस ये चली थी कि शायद ये पहली उर्दू की तवील तरीन नज़म है। ऐसा नहीं था, इससे पहले भी नज़में लिखी गई और इससे तवील तरीन नज़में लिखी गई, लेकिन इस नज़म को शोहरत मिली। इसका उनवान था परछाइयाँ, और साहिर कहते हैं तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। मैं बीच बीच में से सुना रहा हूँ। कभी गुमा की सूरत, कभी यकीन की तरह, वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते हैं लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं, न जाने कितनी कशाकुश से कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। अब अपने माजी में जाते हैं और कहते हैं तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेपती डरती, खुद अपने साए की जुम्बिश से खौफ खाए हुए, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे गले में तुम्हारी गुदास बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं, मुझे यकीन है कि हम अब कभी ना बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान कि हम मिलके भी पराए हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। वो लम्हे कितने दिलकश थे, वो घड़ियां कितनी प्यारी थीं, वो सहरे कितने नाजुक थे, वो लड़ियां कितनी प्यारी थीं, बस्ती की हर एक शादाब गली ख्वाबों का जजीरा थी गोया, हर मौज नफस हर मौज सबा नगमों का जखीरा थी गोया, कि लेकिन नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगी, बारूद की बोझल बू लेकर पश्चिम से हवाएं आने लगी, तामीर के रोशन चेहरे पे तखरीब का बादल फैल गया, हर गांव में वहशत नाच उठी, हर शहर में जंगल फैल गया, मगरिब के महज़ब मुल्कों से कुछ खाकी वर्दी पोश आए, इठलाते हुए मगरूर आए, लहराते हुए मदहोश आए, खामोश जमी के सीने में खैमों की तनावें गड़ने लगी, मक्खन से मुलायम राहों पर बूटों की खराशें पड़ने लगी, फौजों के भयानक बैंड तले चरखों की सदाएं डूब गईं, जीपों की सुलगती धूल तले फूलों की कुबाएं डूब गईं, इंसान की कीमत गिरने लगी, अजनास के भाव बढ़ने लगे, चौपाल की रौनक घटने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे, बस्ती के सजीले शोक जमा बन बन के सिपाही जाने लगे, जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे, इन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई बरनाई भी, माओं के जमा बेटे भी गए, बहनों के चहीते भाई भी, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है, महाज़े जंग से हर कारा कार तार लाया है, वो जिसका जिक्र तुम्हें जिंदगी से प्यारा था, तुम्हारा भाई नरगए दुश्मन में काम आया है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई
वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरी ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। वो शाम मुझे मालूम हुआ जब बाप की खेती छिन जाए, ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, सरमाए के कहबा खाने में बहनों की जवानी बिकती है। हमारा प्यार तो हवादिस किताब ला ना सका, मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। हमें तो कश्मकशे मर्ग बेयमा ही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती। हश्र तक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना, होगा किसी का ऐसा ना जाना, है हसनैन की दाना।
सारी तालियां, थैंक यू सो मच। आइए जी उरूज, आज आप अच्छा उरूज के लिए बहुत सारी तालियां बताएं। आज हमें ये कुछ बनाना सिखा रही हैं, बल्कि बनाऊंगा तो मैं ही। तालियां यार, तालियां क्या हो गया है? हाँ, क्या बना रहे हैं आप बताइए? आज आप बना रहे हैं माश की दाल के दही बड़े। आज मैं माश की दाल के दही बड़े बना रहा हूँ जी। और ये कैसे मैं बनाऊंगा? ओके, ये आप इस तरह बना रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे माश की दाल है, ठीक है? ओके, प्लीज प्लेस दैट इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ। इसको हमने ग्राइंड कर लिया, 2 से 3 घंटे इसको भिगोए। 1.5 कप माश की दाल को इसको हमने ग्राइंड कर लिया है एक अदरक के टुकड़े के साथ। इसके अंदर डालेंगे साहिर हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट, ये नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, हसबे जायका डालना है? एब्सोल्युटली, ओके, ऑफ कोर्स। आपने मुझसे कहा है हसबे जायका डालना, तो मैंने हसबे जायका ही डाला। सही, काली मिर्च, हसबे जायका, हसबे जायका, ओके। जीरा, धनिया का पाउडर, जीरा, धनिया का पाउडर, धनिया का पाउडर, एंड नमक, एंड नमक, हसबे जायका। एंड इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। एंड मिक्स मिक्स मिक्स। ये डाल सकते हैं? ये हम दही में डालेंगे, हमने इसको पेस्ट डाल दिया ना। डाल सकते हैं वैसे, इफ यू वांट। वी कैन, वी कैन। हम इसमें मतलब ये मिर्चें डाल सकते हैं? मिर्चें आप साबुत कटी हुई डाल सकते हैं, आप सब कटी डाल सकते हैं। अच्छा, ये आपने माश की दाल को भिगोया था? माश की दाल को 2 से 3 घंटे भिगोया और उसके बाद उसको ब्लेंडर के अंदर ग्राइंड कर लिया बहुत थोड़े से पानी के साथ, एज मच एज यू नीड। और आप ये देखें कि ये बेकिंग पाउडर इसमें इसलिए डलता है, बाकी के स्पाइसेस का तो आप आई एम श्योर समझ सकते हैं कि क्यों डलते हैं, बट बेकिंग पाउडर इसके अंदर इसलिए डलता है ताकि वो एरिएट हो जाए और वो फूले फूले से ऊपर से क्रिस्पी हो, अंदर से सॉफ्ट हो, एंड मेक इट मच मोर फन टू ईट दैट वे। ओके, ठीक है, ओके। और डाल दिया मैंने, जिस तरह पकौड़े तलते हैं उस तरह हमने इसको तलना शुरू। पकौड़े मतलब डालना शुरू कर दें? या एब्सोल्युटली, ओके, पकौड़ा स्टाइल इसको आप तलना शुरू करें, ठीक है? और लेकिन तेल का हॉट होना बहुत जरूरी है ना, तो अभी तो तेल हॉट नहीं हुआ है। तेल शुड बी एट मैक्सिमम हीट, ओके। इन द मीन टाइम आप दही डॉक्टर कर लेना। अच्छा, दही को क्या करना है मुझे बताइए? दही के अंदर आप नमक, मिर्च, काली मिर्च, जीरा, धनिया का पाउडर, प्याज, हरा धनिया और थोड़ी सी चीनी डाल के। अच्छा, चीनी डालने का क्या हुआ है? चीनी इसलिए डालते हैं ताकि आपके बाकी के जो फ्लेवर्स हैं वो आपको खुल कर आए ना। ओ, इसलिए आप डाल रहे हैं चीनी। ओके, अच्छा, कोई खास ऑर्डर नहीं है इसमें, कभी भी कुछ भी डाल सकते हैं? जी, कोई ऑर्डर नहीं है, जस्ट मिक्स इट विद अ विस्क। ओके, जीरा भी डलेगा? बिल्कुल डलेगा। और अगर भुना हुआ जीरा हो आप घर में, आजकल वैसे ही रमज़ान चल रहा है, तो कोशिश करें कि जो जीरा हो वो भुना हुआ हो, और आप उसको एक बॉटल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं जीरे को भून के, एंड दैट्स रियली रियली हेल्पफुल, फैंटास्टिक। इसमें आप प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज और हरा, इसमें प्याज भी डलेगा? बिल्कुल, बारीक कटा हुआ प्याज एंड हरा धनिया, एंड हरा धनिया, सो इट्स ऑलमोस्ट डन। या एंड यहाँ पे आई थिंक द ऑयल इज, यार वैसे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं, तालियाँ फिर भी नहीं बज रही हैं, गलत है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, यू विल नो, गोना टेक अ व्हाइल। अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, ये फूल जाएंगे क्या? ये फूलते हैं बिकॉज इसके अंदर बेकिंग सोडा है। अच्छा, अजीब बात एक और है कि अगर आप आजकल हमारे घर, हम लोगों के मुल्क के अंदर वैसे इतनी गर्मी होती है तो माश की दाल फर्मेंट भी करती है। ओके, सो बेसिकली दैट्स अ गुड थिंग, उसके वजह से डरना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होती, बट वो फर्मेंट करती है और उससे और वो ज़्यादा एरिएट होके और फूले फूले से और मज़ेदार बड़े बनते हैं। या लेट इट सिट बाय इटसेल्फ फॉर अ बिट। ओके, अब डाल सकते हैं, आई थिंक हम दूसरे डाल सकते हैं, डाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, यू शुड यूज 2 स्पून्स। 2 स्पून्स व्हाई? आपके स्पून से निकलने में मुश्किल हो रही है ना? नो नो, इट्स ओके, हो गया। एज लॉन्ग एज आई थिंक थोड़ा सा देर लगती है जी, बट जो आई थिंक तेल होना चाहिए वो पाइपिंग हॉट होना चाहिए जी। तेल जितना पाइपिंग हॉट होगा उतना ये अच्छा बनेगा। अच्छा, क्या दही बड़े और भी किसी चीज़ के बनते हैं?
मूंग की दाल के बनते हैं। मूंग की दाल के। आपने बेसन के तो हम खाते ही हैं। I think those are the most common ones। इसमें जो बड़े होते हैं वो बेसन। तो क्या डिफरेंस क्या है माश की दाल के और इसमें? माश की दाल का फ्लेवर, of course, and then the fact that बीच में आपको little bits उसका texture भी फर्क होता है। बेसन के दही बड़े का और माश की दाल के दही बड़े में texture का बहुत बड़ा difference होता है। हमें थोड़ा wait करना पड़ेगा। ठीक है। But इनको fry करें जब तक ये golden color के नहीं हो जाते। तब तक आप इन्हें निकाल नहीं सकते। तब तक आप इनको निकाल नहीं सकते। इनको निकालना आप या तो पानी में निकालें या आप डायरेक्टली दही में आप भी पानी में भी निकालते हैं इसको? पानी में निकालते हैं और उसको स्क्वीज करते हैं। अच्छा, और पानी में निकालने का क्या है कि इसका तेल जो है वो निकल जाएगा? जी। ओके, सो गोल्डन होने का वेट करें। आई थिंक हो जाएंगे। परसेवियर। क्या आई कांट हियर यू? मैंने कहा परसेवियर, यानी कि कोशिश करते रहे। हाँ नहीं, इट्स ओके, इट विल हीट अप। तो हमने आज जो जरा इसकी रेसिपी जो है वो थोड़ी सी एक मरतबा पहले रिपीट कर दीजिएगा। हमने डेढ़ कप माश की दाल ली है, उसको हमने पानी में 2 से 3 घंटे भिगोया है, फिर ब्लेंडर के अंदर उसको ग्राइंड कर लिया है अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ, उसके अंदर नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, लाल मिर्च, इफ़ यू वांट हसबे जायका डालें, और फिर उसको फ्राई कर लें, और फ्राई करने के बाद पानी में निकाल लें, साथ दही बनाएं। हम लोगों ने हमारी दही के अंदर डाला है नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और हरा धनिया। हरी मिर्च डाल सकते हैं आप, टमाटर डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है इसके अंदर डाल सकते हैं। एंड देन वी जस्ट असेंबल। ओके, यस, इट्स लुकिंग गुड। ये हो गया। इन द इंटरेस्ट ऑफ आई थिंक सेविंग टाइम, आप इसको पानी में डालने के बजाय आई थिंक डायरेक्टली ये दही में डाल सकते हैं। दही में डाल सकते हैं। अच्छा, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा टेस्ट में? नहीं, बेसिकली पानी अब्सॉर्ब जब वो करता है तो इट बिकम्स सॉफ्ट। ओके, बट बिकॉज अभी इफ्तार में इतना सारा टाइम है, 3:30 बजे है, तो वो दही का पानी अब्सॉर्ब कर लेगा, विच इज जस्ट फाइन। अच्छा, ये देख लीजिए, ये तकरीबन गोल्डन ब्राउन होते जा रहे हैं। यस, एंड इट्स लुकिंग रियली गुड। अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ अ पकौड़ा। And then of course ये बेसन के भी होते हैं ना? जी, बेसन के भी होते हैं। जी, ये बेसन के भी होते हैं, मूंग की दाल के भी होते हैं। Okay. और बहुत सारे लोग मूंग और माश की दाल के बना, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? 3-4-5 घंटे लग जाते हैं इसमें बनाने में। किसको? इसको नहीं, बिकॉज आपने पहले नहीं, मतलब 2 घंटे आपने रात को भिगो दे ना। ओके, ओके, मतलब थिंक अहेड। ओके, थोड़ा फॉरवर्ड प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सोचें कि हम खवातीन कितना ज्यादा सोचती हैं। आप बहुत लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, वाकई में सोचते हैं ना, फॉरवर्ड प्लानिंग। नो, आई डोंट थिंक मेन कैन डू दिस। आई विल नेवर बी एबल कर सकते हैं। हम लोग आगे की सोचते हैं, है ना, ऐसे ही है। हम रात को सोचते हैं कि कल ये क्या बताओ, यहां कुछ ऐसे मर्द हैं जिन्होंने बनाया है कभी जिंदगी में दही बड़े? किसी मर्द ने बनाए? हाथ उठा दें। आप लोगों ने दही बड़े बनाए? यार आप मुझे नहीं लगता आपने बनाए होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपने बनाए। तीन लोगों ने अपने हाथ खड़े किए, मेरे दही बड़े बनाए, मगर ठीक है, जरूर बनाए होंगे, मगर जनरली ये बताओ माश की दाल के बनाए किसके, कौन सी दाल के बनाए थे? इधर माइक दो इनको, माइक दे, माइक दे, माइक दे। इन्होंने माश की दाल के बनाए हैं? नहीं, माश की दाल के नहीं बोल रहे, किसी और चीज के बोल रहे हैं। वो किस चीज के बनाए थे? मिक्स दाल के भी बनाए मैंने। अरे वाह, मिक्स दाल के भी बनाए, वेरी गुड। और खुद बनाए? अच्छा अच्छा, और दूसरे वो जो उन्होंने हाथ उठाया था उनको भी बताइए। जी जी, सुन लिया मैंने, सुन लिया। माश की दाल के और बेसन के, दोनों के बनाए। और तुम्हें ये तरीका पता है? बिल्कुल जाता है। अच्छा, इधर से किसी ने बनाया है? इधर से किसी मर्द ने हाथ उठाया था? नहीं, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे एक्सपीरियंस में जो घर पे लोग आदमी रहते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, इस वक्त मुझे लगता है कि वो उनकी जितनी भी कुकिंग होती है वो ये होती है कि जाके देखते हैं। अच्छा, ये है, और वो सब कुछ इकट्ठे पॉट में थ्रो करते हैं, और एक धमाका किचन के अंदर वैसे ही बचता है, क्योंकि वो क्लीन अप नहीं करते, सफाई नहीं करते। ये आप नुमान की बातें बता रही हैं? मैं बता रही हूँ जनरली एक्सपीरियंस। मेरा भाई भी है, मेरे घर में कजन्स भी हैं, ऐसे ही होता है ना कि खुदा ना खास्ता कभी कोई आदमी किचन में घुस जाए तो उसके बाद फिर एक डिजास्टर ही होता है। देखिए दुनिया में, अरे यार ऐसे तालियां नहीं बजती, सारी लेडीज अग्री करती हैं। देखिए आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई, आपके हस्बैंड अगर किचन में चले जाएं, उसके बाद सफाई आप अगले 4 दिन तक कर रहे होते हैं। लेकिन दुनिया में ज्यादा शेफ जो हैं, बड़े शेफ जो हैं, वो मैं नहीं होते हैं। नहीं ऐसा है,
अच्छा ओ I'm sorry I did not realize कि पाकिस्तान में एक चीज ऐड करूं अरूज तुम्हारी बात में और जो मोस्टली हमारे घरों के मर्द है ना जब उन्होंने कोई कुकिंग करनी होती है तो बेटियों को या बीवियों को बोल दिया जाता है कि कटिंग सारी करके दे दें हां मोस्टली कटिंग होती है ठीक है जी थोड़ा सा मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है और थोड़े से मैं उठा के इसमें डाल रहा हूं ताकि पैन के अंदर पता चल सके ये जी हमारे दही बड़े जो हैं ये तैयार हो गए हैं and it's amazing aap yahan aa jaiye mere sath because life boy is here taliyan ji bahut saari taliyan life boy is here 99.99% jarasim ka khatma jo hai wo life boy ki madad se ho jata hai and life boy actor silver hamara hai aur we love it please aap isko saaf kar lijiye thank you so much life boy bahut bahut shukriya aur pure ramzan aapka dil chahta hai ki aap zyada tar waqt jo hai wo apni ibadat ke andar guzare aur aap guzarte bhi hain कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पाइल्स ऑफ बर्तन जो है वो आपके इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए आपने ट्रस्ट करना है लेमन मैक्स पे जो तीन गुना ज्यादा ताकतवर है और 20% एक्स्ट्रा पाउच के अंदर आता है सो लेमन मैक्स हर जगह है थैंक यू लेमन मैक्स बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया छोटा सा एक ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना विल बी राइट बैक वेलकम बैक और मेरे चक्करों का भी देखो ये हालत है कि अच्छे खासे चक्कर आ रहे हैं एहतशाम क्या बना रहे हो आज तुम एहतशाम का माइक खोल दें जी एहतशाम बोले कोई बात नहीं दूसरा वाला माइक दे देते हैं एहतशाम को एक दूसरा वाला माइक दे दीजिए प्लीज जल्दी से लाके मुझे वैसे ही बता दो मैं बताता रहता हूँ उनको क्या बना रहे हैं हम हेलो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी ड्रिंक तुम सिर्फ मुझे बताओ कैसे बनाना है बाकी मैं बनाता हूँ हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी लस्सी दूध डालना है बिल्कुल दूध डाल दें दूध डाल दिया उसके बाद दही डाल दें उसके बाद दही भी डाल दी मैंने डाल दी दही डाल दिया फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं वो भी इसमें ऐड कर दें आप ऐसे ही काट के ऐसे ही डाल दें ब्लेंड हो जाएगा बहुत सॉफ्ट है ओके देन शुगर ऐड कर दें इसमें शुगर कितनी हसबे जायका बिल्कुल हसबे जायका कर दें Okay. और थोड़ी सी इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऐड कर दें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जी ओके बिल्कुल ओके जितनी आप डालना चाहें डालने फ्लेवर अप टू यू है नहीं इसके बाद इसको आप ब्लेंड कर लें दैट्स इट दैट इज स्ट्रॉबेरी लस्सी बिल्कुल हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल में है अदरवाइज स्ट्रॉबेरीज के बहुत सारे ड्रिंक्स बनते हैं बट लस्सी के साथ बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर जो है ना मिलता है ओके और इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके इसके बाद हम इसको Is it all done now? Almost done. कितनी देर normally कितनी देर करना पड़ता है? इसमें 30 seconds maximum इसका blending time है. Okay. Yes. I think it's done. It's done. Okay, निकाल ली मैंने. बिल्कुल इसको. And then pour it. Okay. अच्छा, I can feel that grain ना. Grain भी है इसका strawberry का. बिल्कुल. Very nice. Last में हम इसमें जामेश्वरी. डालिए जी जामेश्वरी. या मैं डाल दूँ? आप ही डालें. मैं डालूँ. Okay. कंप्लीट करें आप इफ आई कुड ओनली फिक्स दिस ओके ठीक है जी तो मैंने जामेश्वरी उठा के इसमें डाल दिया एंड एज यू ऑल नो करशी जामेश्वरी 100% खालिस अरकिया से मिलके बना हुआ होता है दी नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान करशी जामेश्वरी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू एहतशाम थैंक यू सो वेरी मच क्या बात है तालियां क्यों कम क्यों आ रही हैं कम तो नहीं आनी चाहिए यार क्या हो गया तबीयत तो मेरी खराब है आपकी थोड़ी खराब है बजाइए आपको इत्तला दूं मुझे बताइएगा जरा पाकिस्तान के क्या 100 पे इंग्लैंड के 100 पे दो थे जिस वक्त मैंने लास्ट देखा था आई डोंट नो कितने लेकिन अभी 22 ओवर का खेल हो चुका है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जीत रहा पाकिस्तान या नहीं जीत रहा है दोनों हाथ उभर के जरा तालियां बजाइए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान विल विन अच्छा सेगमेंट हमारी एनजीओ का सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है प्लीज वॉच दिस The battle against leprosy in Pakistan began with a makeshift clinic in Karachi in the 1950s. More than 50 years ago,
Dr. Ruth Pfau decided to take it forward. Over the years, Dr. Pfau and her team at the Murray Adelaide Leprosy Centre worked tirelessly to track down and treat leprosy cases all over Pakistan. Due to their efforts, leprosy has been controlled in the country. The incubation period for leprosy by itself is up to 40 years, so we have to be around. So our services have to be kept up. There are patients with disabilities. They have to be rehabilitated after controlling leprosy and even launching on this elimination campaign. We launched the tuberculosis and blindness control programs. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਮ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਮ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਾਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈਡ ਇਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੱਚ ਐਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਊਸਿਸ ਡਿਗਿੰਗ ਟਿਊਬ ਵੈਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਕੈਟਲ ਐਂਡ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਫਰਿੰਗ ਸਮਾਲ ਲੋਨਸ ਟੂ ਵਿਮਨ ਥਰੂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੀਮਸ ਡਾਕਟਰ ਫਾਓ ਰਿਮੇਨਸ ਅ ਬੀਕਨ ਆਫ ਹੋਪ ਫਾਰ ਦ ਸਫਰਿੰਗ and a source of inspiration to the team at MALC. Help us to continue the journey. Join hands with MALC. Bahut saari taaliyan Mary Adelaide Leprosy Center ke liye. Aaj Zainab Salwa hamare saath hain. Assalamu alaikum Zainab, kaisi hain? Alaikum salam. Zainab, thoda sa batayengi mujhe ki aap log microfinancing bhi karte hain. That's interesting. बेसिकली हमारा बेसिक काम तो हेल्थ बेस्ड एनजीओ exactly. है लेकिन जब 2005 में जलजला आया तो हम लोगों को रीबिल्डिंग और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ा आज़ाद कश्मीर में okay. हमारे सबसे ज़्यादा सेंटर्स आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं तो उसके बाद And you've got तकरीबन 157 सेंटर्स 157 सेंटर्स माशाल्लाह जी 157 सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान है और सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में जब जलजला आया तो वहाँ पे रीबिल्डिंग रिहाब का प्रोसेस शुरू हुआ उसके बाद डोनर्स ने डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है बहुत लंबा होता है उसमें बिल्डिंग हाउसेस फाइनेंसिंग और उसके अलावा कैटल और ये सब कुछ बाद में सैलाब आया सिंध में उसमें भी रिहैबिलिटेशन और रीबिल्डिंग का प्रोसेस FRRP फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों ने किया है दैट वाज ऑल डोनर्स ट्रस्ट ऑन आवर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो अच्छा वैसे जुजाम का मर्ज जो है बेसिकली आप उसको कितने परसेंट रेशियो है जुजाम के मरीजों के हमारे जुजाम का मर्ज पाकिस्तान में 1996 में कंट्रोल हो चुका है okay. और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अब मजीद केसेस नहीं आते हमें 400 से 500 केसेस पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए कंट्रोल के बाद एलिमिनेशन का फेज़ आता है उसके बाद ख़त्म होता है जज़ाम का जो जरासीम है वो 40 साल तक एक मरीज़ के जिस्म में रह सकता है तो इसका मतलब है कि 40 साल तक वो जरसूमा कभी भी आपको कोड़ या जज़ाम के मर्ज़ में मुब्तला कर सकता है इसलिए हमारी सर्विसेज को बहाल रहने के लिए हम डाइवर्सिफाई हुए और हमने दूसरी फील्ड्स के अंदर काम करना शुरू किया जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस जो कि पाकिस्तान इस वक्त 5th लार्जेस्ट बर्डन कंट्री है पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है टीबी के हवाले से और टीबी एक बहुत ही मूजी मर्ज है एक टीबी का मरीज जो है जब तक ही डाइज ही मेक्स 10 मोर पेशेंट्स 10 और मरीज बना के वो मरीज मरता है तो इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम टीवी के ऊपर भी काम कर रहे हैं अच्छा अगर आप इजाज़त दें कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑडियंस से अगर वी कैन टेक दैट जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरी एडिलेड लिप्लोसी एनजीओ पिछले 60 वर्ष से खिदमत खल्क में मसरूफ़ है बिल्कुल खामोशी से इसका विजन एंड मिशन क्या है कैन यू टेल मी आज थैंक यू हमारा विजन है हेल्थ हेल्थ विद डिग्निटी इज़्ज़त के साथ सबको सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं और ख़ामोशी से काम करना मेरे ख्याल में जो भी कार्य खैर होता है अगर वो ख़ामोशी से किया जाए तो सबसे बेहतर होता है जज़ाकअल्लाह थैंक यू सो मच यस एनीवन एल्स यस मैम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी मुझे ये कोढ़ के मर्ज़ के बारे में पूछना था कि कोढ़ का मर्ज़ पहले बहुत मोहलिक समझा जाता था और इसे अछूत भी कहा जाता था मरीज़ को घर वालों से दूर रखा जाता था
क्या इस जदीद दौर तरीके इलाज में ऐसा होता है? देखें, पहले ज़माने में कोढ़ का मर्ज, अछूत का मर्ज इसलिए समझा जाता था कि कोढ़ के मरीज के अंदर डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसके हाथ या उसके पांव जो हैं वो इस काबिल नहीं रहते जैसे हमारे हाथ पांव हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा इसका नुकसान ये होता है कि जितनी देर से ये मर्ज आप डिटेक्ट करते हैं उतनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी डिसेबिलिटी पेशेंट के अंदर, मरीज़ के अंदर आती जाती है। तो ये बीमारी की वजह से नहीं है, ये उस बीमारी की जो शक्ल एक बंदे के ऊपर आती है उसकी वजह से उस बंदे को आइसोलेट या अलग करके रखा जाता है। आजकल तरीका इलाज इसका इतना आसान और इतना अच्छा है कि अगर आप पहली डोज दवाई की लेते हैं तो 99.9% बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। और सेकेंडली ये लीस्ट कंटेजियस कंटेजियस डिजीजेज में लीस्ट कंटेजियस है। जो लगने वाली बीमारियां जिन्हें अछूत की बीमारियां कहा जाता है उसमें कम लगने वाली या कम अछूत की बीमारी है। मैंने पहले भी कहा था कि टीबी सबसे इससे ज्यादा मौलिक है। जी, लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था कि जज़्ज़ाम के हवाले से मैडी एडिलेट लिब्रोसी की नुमाया जो है कामयाबियाँ क्या क्या रही हैं? सबसे पहली कामयाबी है कि 1996 में हमने इस मर्ज़ के ऊपर काबू कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। तो हमें तकरीबन 56,000 से 60,000 मरीज़ हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनको हमने इलाज फराहम किया है। और आज इस दौर में हमें सिर्फ 400 से 500 मरीज़ पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कुछ कहना चाहती हूँ उनसे जो आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगी कि किस तरह से लोग आगे बढ़ के मदद कर सकते हैं आपकी? ज़कात, डोनेशंस और किसी भी और तरीके से अगर आप अपना वक्त भी मरीजों के साथ सर्व करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी आएं और हमारे इदारे को एज अ वॉलंटियर भी ज्वाइन करें। हमारे तकरीबन 157 सेंटर पूरे पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान का तकरीबन सबसे ज़्यादा पुराना एनजीओज में से एक एनजीओ हमारा एनजीओ है। सो आगे बढ़ें और मदद करें, कतरा कतरा दरिया बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं क्योंकि शायरी का मुकाबला जो है वो शुरू होने वाला है। साथ साथ फसीउद्दीन सोहरवंदी साहब तशरीफ ले आए हैं, बहुत सारी तालियां, इस्तकबाल कीजिए इनका। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेकी एक इबादत है और यही पैगाम है सर्फ एक्सेल का, नेकी वाकई एक इबादत है। दूसरों को अगर आप नेकी की तरगीब देंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक नेकी करते हैं और उसको देख के कोई दूसरा इंस्पायर हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों में बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं तो हम नेकी में क्यों ना बाजी ले जाएं? वैसे भी जब आप नेकी करते हैं तो खुदा का खास करम होता है आप पे, खुदा की खास रहमत होती है आप पे। आपने सपने में वो ऐड तो देखा होगा जब बच्चा जाता है और जाके खजूर और पराठा देता है, यू रिमेम्बर दैट ऐड? कितनी हसीन बात है, किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवा दे, किसी के लिए उसकी ग्रोसरीज ला दे, किसी को सहारा दे दिया, किसी के साथ बैठ के उसकी दिलजोई कर ली, ये नेकी है और ये एक इबादत है और यही पैगाम है सिर्फ एक सेल का। अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी तालियां प्रोफेसर डॉक्टर फजल साहब के लिए तशरीफ ले आए हैं, बहुत बहुत सारी तालियां, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात की इजाजत से मैं बैतबाजी का मुकाबला शुरू करना चाहता हूँ, आप दोनों हजरात की इजाजत से। अच्छा जी, हमारे पास आज दो टीमें हैं, सुंदस हाशमी एंड बजी आफरीदी, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों क्या हैं आपस में? दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, बहन भाई? यूनिवर्सिटी? यस, ओके, सर सईद यूनिवर्सिटी। सर सईद यूनिवर्सिटी से। टीम बी दानिश और ममता मोहम्मद माज, आप क्या हैं सर? फ्रेंड। फ्रेंड हैं, आप भी यूनिवर्सिटी से हैं? कॉलेज से। कॉलेज से हैं। सर आप कौन से कॉलेज से हैं? ताज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। और सर आप ताज होम्योपैथिक से? एसएल।
SL क्या है? शाब्द लतीफ गवर्नमेंट का. ओके सर, आप कहाँ से हैं? आपने बताया सर सैयद जी. सर किस में कर रहे हैं? इंजीनियरिंग में कर रहे हैं जी. इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग. ऑल राइट जी. अच्छा, इसके दो मरहले हैं. पहला मरहला ये है कि एक शेर आप सुनाएंगे, उसका खात्मा जिस लव वर्ड पे होगा आप उससे दूसरा शेर शुरू करेंगे, ठीक है? और दूसरा मरहला ये है कि हम सब लोग बैठ के आपको एक 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 लफ्ज बताएंगे और वो शेर में आना चाहिए, ठीक है जी? जो जीतेगा वो एडवांस कर जाएगा. इनके लिए बहुत सारी तालियां और भरपूर तरीके से इसको एंजॉय कीजिएगा. हम शामिल होते हैं. पहला शेर आपको मैं दे दूं या आप लोग खुद करेंगे? पहला शेर आपको मैं दे दूं? आप दे रही हैं, चलिए आप दीजिए, शुरू कीजिए. ए नजर का नूर जिसे दिल का चैन कहते हैं, नबी भी अपनी इबादत का जैन कहते हैं, जो गवा दे जान अपनी हिफाजते हक में, उसे तो दिल की लुगत में हुसैन कहते हैं. वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत. नून जी सर, बोल दीजिए, काम कर रहा है वो. निशानी जो तुझे दी थी जुदा होते हुए मैंने, पहन के आ वही कंगन तुझे दिल याद करता है. वाह, करता है ये. यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं. बिकते हैं. नून नगमा ओ मैं का वो तूफान तरब क्या कहना, मेरा घर बन गया खयाम का घर आज की रात. आज की रात ते से. तुम समझते हो कि बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुमको इस समंदर की गहराई का अंदाजा नहीं. अंदाजा नहीं. नून न देखो यूं समंदर को, खुदारा टिकटकी बांधे, तरस खाओ समंदर पे, समंदर डूब जाएगा. समंदर डूब जाएगा. तालियां तो बजाएं क्या यार, इतने अच्छे शेर हो रहे हैं. अच्छा खासा आप लोगों का जौक है. गा अलिफ. ए दिल जरा तस्दीक कर, आमद तो नहीं उसकी, महफिल में शोर उठा है माशाल्लाह माशाल्लाह. जी माशाल्लाह है. एक दो तीन चार पांच हमारे छः सात आठ नौ दस. शेर बोलिए जी. है से. जी जी है सही. हटाकर जुल्फ चेहरे से न छत पे शाम को जाना, कहीं कोई ईद न कर दे अभी रमजान बाकी है. ये ऐसी हरकत करना मत, तुम मत जाना बिल्कुल कहीं भी. हाँ जी जी बताइए. एक पॉइंट इनका हो गया है, बाकी है ये. या रब निगाह हिब्बत से चमन को बचाइयो, बुलबुल बहुत हैं देख के फूलों को बाग बाग बागैन. घर के इशरत बन के जीने से कहीं बेहतर है जोश, दर से इबरत बन के मर जाना जमाने के लिए. दर से इबरत बन के मर जाना जमाने के लिए. ये यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो. पढ़ा करो. वाओ. वो जो हूरे हैं आसमानों पर, उनकी तुम नवाब लगती हो. उनकी तुम क्या लगती हो? वो जो हूरे हैं आसमानों पर, उनकी तुम नवाब लगती हो. अल्लाह ताला रहम करे जी. मतलब बहरहाल वही हुआ ना, बिछड़ने पे बात आ पहुंची, उसे कहा था पुराने हिसाब रहने दे. वही हुआ ना, बिछड़ने पे बात आ पहुंची, उसे कहा था पुराने हिसाब रहने दे. वेरी नाइस. यस ये गर...
खुशियां तेरी गोद दिल से हों भले तासीरे नाला हाय शरर बार है गलत गलत तोए तबीब यूं न कर कोशिशें तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की पहले इश्क कर फिर चोट खा फिर लिख दवा मेरे दर्द की ये गलत है कि नहीं बोलता वो यार गलत मुझसे हर बात में कहता है वो 100 बार गलत तोए तरह तरह के शगुफे जो छोड़ता है तू मैं दिल का बाग नमो ही उजाड़ डालूंगा अलिफ एक दरिया है बस अपने रुख पर कश्तियां आर गलत पार गलत और वक्त पलट दे बेसा के हस्ती चाल हम चलते हैं हर बार गलत तो ए अगेन एक दो तीन चार पांच छः सात आठ तुलुए सुबह से पहले तुलुए शाम के बाद मैं तेरा नाम लेता हूँ हर नाम के बाद दाल दिले मरहूम को खुदा बख्शे एक ही गम गुसार था ना रहा अलिफ उसकी इज्जत अजीज है वरना उसके घर पर धमाल डालूं मैं नून ना हलावते ना वो लज्जते ना वो जायका ना वो चाश्त तेरे लाल दर के मुकाबले रहे कदरे लाले यमन गलत तोए ये आपकी कोई साजिश लगती है मुझे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ तबीब जिनके दुश्मन हो जाएं उनका इलाज कौन करे तबीब जिनके दुश्मन हो जाएं उनका इलाज कौन करे ये शेर दुरुस्त है नहीं किसने कहा आपको ये पता है छोटा सा एक ब्रेक क्योंकि मैं इस शेर को नहीं जानता आप दुरुस्त शेर है दुरुस्त है नामुकम्मल लग रहा है तबीब जिनके दुश्मन हो जाएं उनका इलाज कौन करे वैसे तो दुरुस्त है लेकिन मुझे नहीं पता है अगर आप इसे मानना चाहते हैं तो हम माने लेते हैं बहरहाल क्योंकि वजन में तो है ऐसा नहीं है कि वजन में नहीं है छोटा सा एक ब्रेक है आपसे मुझे सर पता नहीं है अभी भी इस पे मुझे अंदर से एक खास तकलीफ है एक छोटा सा एक ब्रेक है जी आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद लेडीज एंड अभी इस वक्त मुकाबले में सूरतेहाल ये दिलचस्प सूरतेहाल है कि एक पॉइंट के साथ सर सैयद कॉलेज की जो टीम है सर सैयद यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो आगे है टीम ए के पॉइंट्स ज़्यादा हैं दूसरा मरहला शुरू हो रहा है यहाँ पर हम लफ्ज़ देते हैं और मैं एक लफ्ज़ आपको ए से शुरू करते हैं मैं एक लफ्ज़ दूंगा उसके बाद एक लफ्ज़ आपा देंगी फिर सलमा देंगी फिर सर देंगे देन ऑफ कोर्स फसी भाई देंगे और वो लफ्ज़ कहीं भी उस शेर के दरमियान आना चाहिए अगर मैं दिल कहूँ तो दिल ही आना चाहिए
मन नहीं आ सकता, कल्ब नहीं आ सकता, ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती। दिल कहूँ तो दिल ही आना चाहिए। तो आपसे शुरू करता हूँ, मेरा पहला लफ्ज़ जो मैंने आपको दिन दिया, जो दिया वो है दिन। दिन मीन्स डे, दिन। वो कौन सा दिन है कि वो गैरों को हत नहीं लिखता, ये आरजू है कि वो नामा बर से ले कागज, बला से फाड़ के हाथ ना ले कागज। ये शेर किसका है? इब्ने मुनीब। ओके, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे इसमें वजन का बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है। एक मिसरा तवील है, एक मिसरा बहुत छोटा है, तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में आप कोई दूसरा लीजिए, इसमें ये वजन में नहीं है शेर। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती है, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो फराज जी, है। फराज जी, माइक खोल दो, क्या हो गया है? जी आपा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आना चाहिए, नबी नहीं, मोहम्मद सिर्फ मोहम्मद आना चाहिए जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बोलेंगे बी। बी पे वो शेर सुना रहे हैं, उनका माइक ऑन कर दीजिए जी। बोलिए, माइक नहीं चल रहा है उनका। अगेन नहीं चल रहा, बोलिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। सलमा का माइक ऑन कर दीजिए, इन सब के माइक प्लीज ऑन रखिए जी। सलमा बोलिएगा। कुफर, उफक यानी आसमान। उफक आसमान, उफक उफक में आसमान में फर्क है। उफक पैदा होता है, उफक फलक कहते हैं आसमान। एक उफक पे उभरते हुए सूरज की जबी को देख। नहीं नहीं नहीं, वो है मशरिक से उभरते हुए सूरज। ये फिट किया जी। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। उफक पे फूटी है किरण, लगता है कि उनकी आमद है। नहीं जी, नहीं जी, ये शेर नहीं है। उफक पे फूटी है किरण, लगता है उनकी आमद है, ये शेर नहीं है। ये शेर नहीं है, मिसरा हो सकता है, शेर नहीं हो सकता। शेर भी हो सकता है, छोटी बहर का शेर हो सकता है, लेकिन ये शेर है नहीं जी। आपको जवाब तो देना पड़ेगा, इनके बजाय अपने बोलना तो पड़ेगा ना, वरना पॉइंट कैसे मिलेगा। कहाँ फंसा दिया आपको, कोई आता इससे शेर तो दिया क्यों था। एक दो सर, बी की बारी है। तमन्ना काम तमन्ना दिल इस तमन्ना, सोच बी 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 आपकी बारी नहीं है। बी तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौरख बादशाहों के खजानों में। सर फरीब, बात बात पे फरेब देता है, खैर छोड़ो महबूब है मेरा उसे ये जेब देता है। अगेन शेर दुरुस्त कीजिए, वजन नहीं है।
देखिए आप खुद से नहीं बना सकते सर, खुद से नहीं, बात बात पे फरेब देता है सर, पढ़ा है खुद से नहीं, उसे छोड़ो, महबूब है मेरा ये जेब देता है, ये शेर है, बात बात पे फरेब देता है, ठीक है, खैर छोड़ो, महबूब है मेरा उसे ये जेब देता है। मैंने कभी बचपन में पढ़ा था एक, देखिए ये वजन होता है शेर का ना, इमेजिन कीजिए, काउंट कीजिए, बात बात पे फरेब देता है ये, खैर छोड़ो, खैर छोड़ो, जी जी, बात बात पे फरेब, खैर छोड़ो, खैर छोड़ो, एक फिर ठीक है, बात बात पे फरेब देता है, खैर छोड़ो, महबूब है मेरा उसे ये जेब देता है। तो शेर को शेर के अंदाज से पढ़िए, अब ठीक लग रहा है जी सर, मैंने देना दिल, दिलबर है दिलदार है दिल, देख तो क्या तहदार है दिल, बीच में आंखें पड़ती हैं, सात समंदर पार है दिल जी, आप आंखें आंखें, ना पूछ क्यों मेरी आंखों में आ गए आंसू, जो तेरे दिल में है उस बात पर नहीं आए जी, सलमा रुखसार, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है सर, हसरत हसरत हसरत, है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, दोबारा सुनाइएगा इसे, है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, ये हसरत शायर है, तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए, जो मर के भी न पूरी हो उसे हम हसरत कहते हैं, तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए, जो मर के भी न पूरी हो उसे हम हसरत कहते हैं, हसरत नहीं कहते उसे, कुछ और कहते हैं उसे, देर देर समथिंग एल्स, इट्स नॉट हसरत, इट्स नॉट हसरत, इसे हम हसरत नहीं कहते, उसे हम कुछ और कहते हैं, उसे अंजाम कहते हैं, या तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए, जो मर के भी न पूरी हो उसे हम हसरत नहीं कहते, हसरत नहीं आता इसमें, सॉरी मुझे वो नाम लफ्ज नहीं आ रहा, हसरत नहीं आता जी सर, फिर वही पहला आना जो मैंने पढ़ा है, नहीं जी बिल्कुल नहीं सर, वो हसरत मुहानी का है, हसरत मुहानी शायर के तौर पे हैं, वो हसरत नहीं कर रहे हैं, माना माना नहीं, सिर्फ इस हसरत से पूछी है हजारों बातें, मैं तेरा, एक तो बात यह है कि आप लोगों को कल भी मैंने यही ऑब्जर्व किया था, आप लोगों को ये छोड़ना पड़ेगा कि आप फिट करके जीतने की कोशिश करें, सुनिए टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, फिट बट टाइम खत्म हो गया, आपका भी खत्म हो गया, उनका भी खत्म हो गया, खत्म खत्म टाइम खत्म, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, ईदर केस, इन ईदर केस टीम ए जो है वो इस मुकाबले की फातह करार पाई है, लेकिन स्टिल आई हैव हाई डाउट्स के दो चार अशार हैं जिन्हें हम चेक करेंगे बाद में, और वो आपके रिजल्ट पे बाद में भी असरअंदाज हो सकते हैं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, यू प्लेड वेल लेकिन आप फिर भी पीछे रह गए, बहरहाल टीम ए कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एडवांसिंग टू द नेक्स्ट लेवल, विल बी राइट बैक। तुम्हारा सैयद है
सलाम क्या क्या बात है कहना खुदा भी भेजे दुरूद ओ सलाम क्या कहना तेरे इशारे पे सूरज गुरूब हो न सका वाह 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 तेरे इशारे तेरे इशारे पे सूरज गुरूब हो न सका फलक पे शक हुआ माहे तमाम क्या कहना फलक पे शक हुआ माहे तमाम क्या कहना खुदा ने अपनी तरफ कर लिया उसे मनसूब वाह 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 खुदा ने अपनी तरफ कर कलाम क्या कहने वाह 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 क्या कहने तेरे दहन से जो निकला कलाम क्या कहना वाह वाह जो आया दर पे तेरे मुरादी भाई क्या बात है जो आया दर पे तेरे बामुरादी लौटा जो आया दर पे तेरे बामुरादी ही लौटा रसूले पाक तेरा फैज़े आम क्या कहना क्या कहना क्या कहना बाबा 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 रसूले पाक तेरा फैज़े आम क्या कहना तुम्हारे सदके में रब की इनायतों की कसम रुका कभी न मेरा कोई काम क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रुका कभी न मेरा कोई काम कभी न मेरा कोई काम क्या कहना दिले रियाज़ की ये आरज़ू भी हो पूरी दिले रियाज़ की ये आरज़ू भी हो पूरी बना लो इसको भी अपना गुलाम क्या कहना सुभान अल्लाह बना लो इसको भी अपना गुलाम क्या कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत सारी तालियां हमारे तीनों जजेस के लिए फरहान अली वालिद साहब तशरीफ ले आए बहुत सारी तालियां फरहान के लिए बहुत सारी तालियां सरवर अस्करी साहिबा के लिए और बहुत सारी तालियां प्रोफेसर डॉक्टर फजल के लिए वो शेर जो हुआ था कौसर ने मुझे आके वो बताया है कि वो उसके जो लफ्ज मुझसे भूल रहा था तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए जो मरकर भी न पूरी हो उसे अरमान कहते हैं वाह उसे अरमान कहते हैं तो दैट वाज द थिंग तो बहुत सारी तालियां थैंक यू सो वेरी मच मैंने करेक्ट इसलिए कर लिया अपने आप को भी और उन लोगों को भी ताकि पता हो एग्जैक्टली हम जो बात करते हैं उसका कोई बैकग्राउंड होता है तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए जो मर के भी न पूरी हो उसे अरमान कहते हैं सुभान अल्लाह आज हमारे क्वार्टर फाइनल का दूसरा राउंड है तीन मुकर्रर हमारे पास हैं एक इनमें से कोई आगे जाएगा और दो मुकर्रर यहां आज अपना सफर खत्म करेंगे हमारे तीनों जजेस की इजाजत से मैं शुरू करना चाहता हूं बिस्मिल्ला, अगर मैं परिंदा होता उनवान है हमारे पहले मुकर्रर हैं
वकार हैदर जैदी साहब तशरीफ लाइए, लेकिन आपकी तालियां बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बेशुमार तालियां। वकार हैदर जैदी साहब, वकार कैसे हैं आप? मौला करम बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। कैसा लग रहा है, सेमीफाइनल बस इतना दूर है? सर कोशिश पूरी की है और इंशाल्लाह जिस तरह आखिरी दफा जजेस की तरफ से दाद मिली थी और कोशिश होगी इंशाल्लाह उससे ज्यादा अच्छी डिबेट करूं। अगर मैं परिंदा होता, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। जब भी अहले हक उठे आसमां उठा लाए, खाक पर किया सजदा आसमां उठा लाए, और जब मेरी उड़ानों को आसमां राज आया, लोग पर कतरने को कैंचिया उठा लाए। जनाबे वाला इंतहाई अहम खबर से आपको आरास्ता करते चले, कराची में मारूफ कवाल अमजद साबरी को नामालूम अफराद ने शहीद कर दिया गया है। एक और खबर आपको कराची से देते चले कि कराची की सड़कों पे नामालूम अफराद ने मारूफ प्रोफेसर सिप से दापर ज्यादी को शहीद कर दिया गया है। जनाबे वाला मैंने ये खबर सुनी, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं बड़ा कांप उठा कि ये क्या हुआ कि दुनिया में खुशियां पहुंचाने वाले लोगों को इस दुनिया में मार दिया जाता है। तो मैं ये कहने लगा कि काश मैं परिंदा होता, जन्नत का बाशिंदा होता, इंसानों की बस्ती देखी, अरे मौत यहां पर सस्ती देखी। जनाबे वाला अगर मैं परिंदा होता तो मैं वो कबूतर होता जो कश्मीर की, जो यमन की, जो फलस्तीन के लोगों की खिड़कियों से अमन का पैगाम देके उठता और दुश्मन की खिड़की पे जाके कहता कि तुम इन लोगों पर जुल्म करना छोड़ दो, अरे ये लोग मोहब्बत के भूखे हैं, ये लोग अमन चाहते हैं, तुम अपनी गोलियों से इनके बच्चों को माजूर ना करो, तुम अपने धमाकों से इनकी दुनिया को खराब ना करो। अरे मैं चाहता हूँ अब अपनी रूह के छालों का कुछ इलाज करूं, मैं चाहता था चराहों को आफताब करूं, उस आदमी को बस यही धुन सवार रहती थी, बहुत हसीन है दुनिया इसे खराब करूं। मगर अगर मैं अकाब होता तो इस दुनिया की तरफ महली निगाह से देखने वाले की आंखें फोड़ डालता। जनाबे वाला अगर मैं परिंदा होता, अगर आप परिंदा होते तो हम सब मिलके इस दुनिया वालों को दिखाते कि किस तरह एक साथ एक गुरु की शक्ल में एक मंजिल में एक वक्त में जाया जाता है। जनाबे वाला अगर मैं वाकई परिंदा होता तो मैं अब्दुल सत्तार ईदी जैसा इंसान जरूर होना चाहता जो इंसानी खिदमत का जज्बा लिए एक एम्बुलेंस से अपने सफर का आगाज करता है और आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बना देता है, और ये कहता कि तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा, लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मर के भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह वकार बहुत अच्छा मवाद था, बहुत अच्छा अंदाज था, कुछ कुछ जगह पर आप अटके थे जो नहीं अटकना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल बेस्ट तकरीर थी आपकी। माशाल्लाह वकार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और बेहतरीन अंदाज था पिछली दफ़ा की बनस्बत, इस दफ़ा आप मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आए, लेकिन होता है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर थी माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ऑलराइट जी, बहुत मुबारक हो आपको, आपने एक मरतबा फिर जजेस को इम्प्रेस किया है। लेट्स सी, उनवान था अगर मैं परिंदा होता। फाइज फारूक साहब तशरीफ लेके आइए, फाइज फारूक साहब आइए जी। फाइज फारूक साहब अगर मैं परिंदा होता उनवान है, जजेस आपके सामने हैं, लेकिन मुझे लेना एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। फाइज साहब हमें बताएंगे कि अगर वो परिंदे होते तो वो क्या करते इस ब्रेक के बाद। इसको मैं मेरे वॉल्यूम को बढ़ाएगा। अच्छा जी, अच्छा मैं होता क्या है कि अक्सर जब मैं शोज़ कर रहा होता हूँ तो गर्मी बहुत होती है, समटाइम्स वेदर इज़ रियली हॉट, और जहाँ इतने पब्लिक हॉर्स तो वहाँ पर कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं हमेशा
अल्ट्रा सॉफ्ट रोज मेटल का टिश्यू जो है वो इस्तेमाल करता हूँ. इससे बेहतर टिश्यू कोई, एंड दिस इज ऑनेस्टली, इससे बेहतर कोई टिश्यू होता नहीं है. मेकअप एंड आई नॉर्मली डोंट वेयर एट ऑल, तो मेरे पास जो इस्तेमाल करने का जरिया होता है अपने चेहरे को बेहतर बनाने का, इसको सही रखने का, वो रोज पेडल अल्ट्रा सॉफ्ट होता है. इससे बेहतर डब्बा कोई नहीं, इससे बेहतर अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू कोई भी नहीं. बहुत सारी तालियां रोज पेडल के लिए. थैंक यू. अच्छा जी, हमारे पास हैं फाइज फारूक साहब. कैसे हैं फाइज? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. क्या लग रहा है आज आपको? बस अपनी कोशिश पूरी करेंगे. तो आज कोशिश पूरी कीजिए. अगर मैं परिंदा होता, शुरू कीजिए. बिस्मिल्लाह. जनाबे वाला, लफ्ज परिंदे से जहन में एक तशबीह आती है कि कोई दरख्त होगा, उस पर एक छोटा सा घोंसला बना होगा, कोई मादा अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को परों में छुपाए हुए होगी और नर दाने चुन चुन के ला रहा होगा. ठीक है, लेकिन जनाबे वाला, अगर मैं परिंदा होता तो शाहीन होता, आसमान की बुलंदियों में महवे परवास होता, पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा करता, अपना शिकार मैं खुद करता, किसी गिद्ध की तरह मैं मुर्दार ना खाता बल्कि उसकी तरफ देखता भी नहीं, दीगर परिंदों को आगे बढ़ने की राह दिखलाता, तहरीक देता, पलटता झपटता और झपट कर पलटता, क्योंकि लहू गर्म रखने का बहाना तो चाहिए. जनाब सदर, अगर मैं शाहीन होता तो परिंदों की दुनिया का दरवेश होता, क्योंकि शाहीन अपना आशियाना नहीं बनाता. जनाब सदर, अगर मैं परिंदा होता तो उकाब होता, अपनी तेज नज़रों से पाकिस्तान के दुश्मनों को पहचान लेता, और या फिर अबाबील होता कि जिसने बफ़ज़ले खुदा ताला पाकिस्तान अब्राहा के लश्कर पर कंकरियां फेंकी थी, मैं भी बतौर अबाबील पाकिस्तान के दुश्मनों पर चुन चुन कर कंकरियां फेंकता, क्योंकि ये वतन हमारा है और हम हैं पासिबा इसके. जनाबे वाला, अगर हमारी कौम कबूतर की मानिंद आंखें बंद किए सो रही है या फिर हकीकत से नजरें चुरा रही है, मैं कबूतर नहीं बल्कि कोयल बन जाता और अपनी कौम खुसूसन नौजवानों को अपनी कू कू से ये समझाता, उन्हें बतलाता कि यार पाकिस्तान को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, लफाजी के बजाय कोई अमली काम कर लो, आगे बढ़ो. जनाबे वाला, अगर मैं परिंदा होता तो एक चिड़िया कि जब वो पानी पीती है फिर अपना चेहरा ऊपर करती है, यानी वो खुदा का शुक्र अदा कर रही होती है, मैं भी अगर एक चिड़ा बन जाता या एक चिड़िया बन जाती तो पाकिस्तान का बल्कि अपना शुक्र अदा करती इस तरह कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें पाकिस्तान अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे को खूबसूरत और मुकम्मल बनाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने पाकिस्तान को इस्तकामत बख्शी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस खूबसूरत सी दुनिया में माओ जैसी सरजमीन पाकिस्तान अता किया है, या अल्लाह शुक्रिया. जी अगर मैं परिंदा होता. माशाल्लाह फाइज फारूक साहब, बड़ा अच्छा आपका अंदाज पहले भी था और अभी भी है, और मवाद भी अच्छा था, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मवाद में और चीज़ें ऐड करते ना आप, जैसे अभी आपने दुआ की ना, बेशक बहुत अच्छी दुआ थी, तो इसको और चीज़ें भी लाते रहते ना तो मवाद में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा आपने किया. बाकी जो जजेस नंबर देंगे उस पर आपका फैसला हो जाएगा. आप माशाल्लाह से स्पीच बहुत अच्छी थी. मैं पिछली दफ़ा मैंने इनकी स्पीच नहीं सुनी थी, आई थिंक जजेस में मैं तब शामिल नहीं थी, लेकिन इनकी स्पीच में जो हुब्बुल वतनी नज़र आई, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत नज़र आई, उसने मुझे बहुत मुतासर किया. और काश आज हमारा नौजवान, हमारा बच्चा बच्चा पाकिस्तान की मोहब्बत के जज्बे से सरशार हो जाए तो इंशाल्लाह हम खुद तकदीर बदलेंगे. बेहतरीन तकरीर थी. जज्बे हुब्बुल वतनी को जैसा इन्होंने कहा उभारा है और इसकी अभी शदीद ज़रूरत है. तकरीर पुरमक्स मुदल्लल मुजयन थी. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. लेकिन आपको कोई रोक नहीं रहा, आप अगर परिंदे नहीं भी हैं तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जो अगर आप परिंदा होते तो करते, लेकिन माशाल्लाह. ओके जी, फरहान चीमा साहब तशरीफ लाइए. फरहान चीमा के लिए बहुत सारी तालियां. जी फरहान, पिछली बार जजेस को आपने बड़ा मुतासर किया था, इस बार क्या इरादा है? मायूसी गुनाह है सर. सर तो फिर इजाजत लीजिए, शुरू कीजिए. अगर मैं परिंदा होता. अगर मैं परिंदा होता, आज की करारदाद में मौजूद लफ्ज मैं से मुराद में अपने आप को नहीं बल्कि इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों को ठहराता हूँ, और लफ्ज परिंदे से मुराद किसी परिंदे को नहीं बल्कि उसमें मौजूद तमाम सिफात को ठहराता हूँ. सदर आली वकार, उस परिंदे में मौजूद तमाम सिफात में से एक अहम सिफत ये है कि वो अपने रब पर तवक्कल करता है कि चाहे उसका घोंसला कितना ही कच्चा मगर उसका अपने रब पर ईमान उतना ही पुख्ता होता है
कि जिसकी बदौलत वो सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है तो अपनी हमदो सना में अपने रब की तारीफ करता है और उस अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से लड़कर अपने बच्चों के लिए रिस्क तलाश करता है। और उसमें दूसरी अहम सिफत ये है कि उसमें कुव्वत बर्दाश्त होती है, वो एक दूसरे को लड़ते मरते नहीं। कि अली वकार, मैं आपको बताता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं देखता हूँ कि यहाँ कुताहियों के अंबार, कटते बिकते जिस्मों की आहो पुकार, बेताबूत लाशों पर रोने वालों की सिसकियाँ, बहता लहू दम तोड़ती जाने, भाई भाई बाहम दस्तों गरेबा, लालच हवस और भूख रक्सा है। लेकिन सदर अली वकार, मैं देखता हूँ कि ये बुराइयाँ सिर्फ पाकिस्तान के मुआशरे में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुआशरों में हैं। फिर अली वकार, मैं देखता हूँ कि इस दुनिया में ऐसे इंसान आए कि जो सिफात के पैकर बने, कि जिनको देखकर अली वकार मैं सोचता हूँ कि अगर मैं परिंदा होता तो मुझ में इमाम हुसैन की सिफात होती जो करबला में लहू के चिराग जलाकर अपनी मिल्लत को बचा गया। अगर मैं परिंदा होता तो मुझ में तारिक बिन ज़ियाद होता, बहरे बेकरा में रास्ता बन गया महमूद गज़नवी होता। अगर मैं परिंदा होता तो अबाबील होता जो देवकामत हाथियों के झुंड पसपा कर डालता है। अगर मैं परिंदा होता तो इकबाल का वो शाहीन होता कि जो कसरे सुल्तानी के गुंबद पर नहीं बल्कि पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करता है। अगर मैं परिंदा होता तो मुझ में अब्दुल सत्तार एदीस इंसानियत की मोहब्बत होती और मैं अमजद साबरी के सोच से अपने रब की हमदो सना बयान करता। सदर अली वकार, ये सिफात आज भी इंसानों में मौजूद हैं लेकिन फर्क बस इतना है कि हम उन पर अमल करना भूल गए हैं, लेकिन परिंदों को याद है। कुछ मुश्किल नहीं, हमें मिल्लत अहमद मुरसल को दवामी करना होगा। मायूसी की बात नहीं है, हमें गुफ्तार छोड़कर किरदार अपनाना होगा, तकदीर को तदबीर से बदलना होगा, सांचे अमल में ढलना होगा। कब डरा सकता है गम का आरजी मंजर मुझे, है भरोसा अपनी मिल्लत के मुकद्दर पर मुझे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने तकरीर की फरहान जी। कभी एक ही चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा थोड़ा उसको, जब अभी तकरीर हो ना इस पर एक चीज़ ऐड कीजिएगा। शुरू में आपने बड़ा अच्छा मौजू बांधा था, वहाँ मौला अली का एक कॉल है कि तवक्कुल सीखना हो तो परिंदों से सीखो, कि जब वो घर से निकलते हैं और वापस आते हैं तो मुंह में दाना नहीं होता, इस ईमान के साथ कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। बहुत अच्छी तकरीर थी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तकरीर थी। तायर ख्याल ने बड़ी ऊँची परवाज की और इनको नंबर भी मिलेंगे जी। तकरीर तो लाजवाब थी, बेमिसाल शानदार जज्बे हुब्बुल वतनी से मालामाल तकरीर। मैं आप तीनों बहुत अच्छी तकरीर की थी, मेरा इख्तलाफ नहीं है किसी भी तकरीर से, लेकिन मैं शायद समझ नहीं पाया हूँ कि अगर मैं परिंदा होता तो मुझे सिफात होती, इंसान हूँ तो नहीं है, परिंदों में ये सिफात पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए ये थोड़ा सा बहुत आई थिंक इसको दूसरे पैराए में ढाल के बात की जा सकती थी। मुझे आज सरीहन कॉन्टेंट की शदीद कमी लगी है, तीनों में कंटेंट की सबसे ज़्यादा कमी मुझे आज महसूस हुई है कि इस्तारे इस्तेमाल किए गए हैं, मिसालें दी गई हैं जो हमेशा से देते आए हैं, पिछले तमाम मुकाबलों में दी गई हैं, नई कोई बात नहीं थी। इट वॉज ऑल द सेम टू मी, ये ज़्यादा लफ्ज़ थे बजाय इसके कि ये मेरी राय है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। जजेस अपने बारे में फैसले कर सकते हैं और जजेस का ही फैसला हतमी है, मेरा कोई फैसला इसमें नहीं है, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ एज एन ऑडियंस बैठ के। अंदाज़ आप तीनों के बाकमाल थे, बेहतर बोलते हैं आप, बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारे नौजवानों को थोड़ा सा और डेप्थ में सोचना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जो आपकी सलाहियतें हैं आज मवाद के लिहाज से उसका भरपूर इजहार नहीं हुआ। इन तीन में से कोई एक रहेगा, बाकी दो चले जाएंगे, इन तीन में से कौन होगा जो हमारे साथ आगे सेमीफाइनल में जाएगा पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। साहब जो है वो तशरीफ ला चुके हैं, बहुत सारी तालियां अलावा मसूदी साहब के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीन लोग मेरे साथ यहां आ जाइए प्लीज, आप तीनों की तीनों, फायज फारूक, वकार हैदर, फरहान चीमा,
आप तीनों ने बहुत अच्छी तकरीर की, जजेस ने रिस्पेक्टिवली उसके नंबर्स दिए हैं। अब मैं जिस शख्स का नाम लूंगा वो शख्स एक कदम आगे आएगा। तीन में से सिर्फ एक शख्स आज आगे जाने वाला है, बाकी दो लोग आज के बाद इस मुकाबले में नहीं होंगे। फाइज फारूक, जजेस ने आपको नंबर दिए 26। ये आज का सबसे कम स्कोर है। वेल डन, वेल डन, बहुत सारी तालियां फाइज के लिए। मेरे ख्याल में जजेस के लिए ये मुश्किल तरीन फैसला था, मुश्किल तरीन। इस फैसले से पहले कुछ कहना चाहते हैं जजेस? बिल्कुल, आपकी बात को सेकंड करेंगे कि वाकई ऐसा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था। और रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप जब अनाउंस करें तो इनके नंबर भी अनाउंस कीजिएगा कि कितना फ़र्क है इनके नंबर। बिल्कुल अनाउंस करूँगा जी। मौजू अच्छा था लेकिन इन बच्चों ने मेहनत बहुत ज़्यादा की, इसको बहुत संजीदगी से लिया, बड़ी तैयारी के साथ आए। और वाकई पहली मरतबा ये मुकाबला ऐसा था कि जिसमें तीन के तीनों डिबेटर्स ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए और हमारे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। और अभी भी हम ये कहते हैं कि जाना सिर्फ एक को है लेकिन मेहनत सब ने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तीनों बच्चों ने बड़ी मेहनत की और जिद्दोजहद की और तकरीर को बेहतर से बेहतरीन बनाया है। और बड़ा मुश्किल लम्हा था नंबरिंग देने में, नंबर उनको देने में, लेकिन फैसला मुश्किल हो लेकिन करना ज़रूर पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा चलकर अच्छे मुकर्रर साबित होंगे। अब जिसका नसीब खुल गया वो आगे जाएगा, लेकिन इनको एक नसीहत मैं ज़रूर करूँगा, मौजू को आइंदा तकरीर की तैयारी के वक्त हम वक्त अपने साथ रखें, कहीं कहीं मौजू से ये हट जाते हैं जो मुनासिब बात नहीं है। अगर मुझे हैंड पिक करने को कहा जाए दो मुकर्ररीन, तो मैं इस पूरे उससे दो ही मुकर्ररीन को पिक करूंगा और वो ये दोनों होंगे। अब जो मैं नाम लूंगा वो दो कदम आगे आ जाए। वकार हैदर, आपने 29 पॉइंट लिए हैं और आप सेमीफाइनल में जा रहे हैं। फरहान, 27 पॉइंट्स के साथ आप इस मुकाबले में दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां ये आपका सवाल खत्म होता है। थैंक यू। वेल, आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जजेस, क्या कहना चाहते हैं? बहुत मुश्किल फैसला था साहिर भाई, क्योंकि दोनों ही ने, ये जो दो रह गए थे ना आखिर में, वाकई बड़ा टफ था। लेकिन चूंकि मैंने भी अपने नंबर देने थे, बाकी सब जजेस ने अपने नंबर देने थे, ज़ाहिर किसी एक का फैसला नहीं होता। तकरीर बहुत अच्छी थी, अंदाज ही बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पिछली परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, अगली परफॉर्मेंस थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। कभी पिछली परफॉर्मेंस लूज़ होती है, अगली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। या कभी हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और आगे वाला थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी कर लेता है, जिसकी वजह से नंबर में फ़र्क आ जाता है। हमें यकीन करें, जैसे आपको दिली तौर पर अफसोस होता है, मुझे अफसोस हमें भी बहुत अफसोस ये दो ऐसे मुकर्ररीन थे जो मेरे ख्याल में
अगर मुझे मुझे वाकई इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस, बहुत अफसोस, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन चूंकि किसी को हम सबसे पहली बात तो ये थी कि ये पिछले मुकाबलों के विनर्स थे, तो ये आम बच्चों से मुख्तलिफ थे, और इसके बाद इन्होंने एक नई उम्मीद के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की, और आगे बड़ी वसी दुनिया है, बड़े मुकाबले आएंगे, बड़े कॉम्पिटिशन्स आएंगे, और हमेशा याद रहेगा कि मेहनत इससे ज़्यादा करनी है। चलिए बहरहाल तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। मेरे पास ये बॉटल है, ऑफ कोर्स इट इज़ कॉल्ड द बॉटल ऑफ चेंज। अल्लामा अब्दुल सतारीदी, आपको पता है कि तहरीक जो है वो ज़िंदा है। इदारा इस वक्त एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है कि जहाँ ईदी साहब की वफात के बाद, ईदी साहब के चले जाने के बाद, अब इस इदारे को पैसे की ज़रूरत है, और ऑल ऑफ अ सडन फंड्स में कमी आ गई है। तो उसके लिए ये किया गया है कि कोक ने ये इनिशिएटिव लिया है, कि कोक ने ये बॉटल ऑफ चेंज का इनिशिएटिव लिया है। आप इसमें अपने खुले पैसे डाल सकते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितने डालना चाहें, और ये जब भर जाएगी तो इस बॉटल को ईदी को दे दिया जाएगा, और इसके डबल करके पैसे कोको कोला ईदी फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो मैंने अगेन आपसे कुछ नहीं मांगा अपने लिए, ईदी साहब के लिए मांग रहा हूँ। क्या हम ये बॉटल अगले एक मिनट में भर सकते हैं? अगर हम भर सकते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, जो आपकी इस्तेआत है वो मुझे दे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, ये बॉटल भर के ले आए, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बड़ी बॉटल है हमारे पास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस बॉटल के पैसे भी निकाल के इसी में डाल दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लाइए लाइए, निकाल के दे दीजिए मुझे। आप लोग कम से कम ईदी के लिए तालियां तो बजा सकते हैं, ये तो बजाइए। जी 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 जी, बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक ही बात है मैम, एक ही बात है, एक ही बात है। जी लाइए लाइए लाइए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ये उठा लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा खड़े हो जाइए अब्दुल सतार ईदी के लिए, खड़े हो जाइए, और अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए, खिराज तहसीन है उनका, लेकिन आवाज़ नहीं जा रही, इतना बड़ा क्राउड और आवाज़ नहीं है, ये गलत है। नहीं नहीं, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, थोड़ा सा और कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कोई बात नहीं, थोड़ा और, बैठना नहीं है, हाथों को ऊपर कीजिए ताकि क्रेन के अंदर नजर आ सके। लाइए लाइए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे। इसके अंदर सिक्के मत डालिए, ले रहा हूँ बेटा, ले रहा हूँ मैं, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बस दे दीजिए, दे दीजिए, बस ठीक है ठीक है, ये सब हो गए, आइए आइए मेरे पास आ जाइए, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया, 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 ये पकड़ें, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इस तरह से हुआ है, बहुत मुबारक हो आपको कि आपने ये बॉटल भर ली है। लाइए जी, बल्कि न सिर्फ बॉटल भर ली है, बल्कि सारा का सारा चेंज जो है ये आपके पास है। एक बार फिर ईदी के लिए खड़े हो जाइए दोनों हाथ उठा के, लेकिन तालियां बजनी चाहिए, हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए, थैंक यू कोक, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक साथ हम ये एक बॉटल भरने निकले थे, एक बच्चे ने मुझे एक और बॉटल ला के दी है जो भरी हुई है, और इसके डबल पैसे ईदी के फंड में चले जाएंगे, थैंक यू सो मच।
आ जाइए जी, आ जाइए। हमारे पास टाइम है, टाइम है हमारे पास, ब्रेक है, कट गया। ओ तवील है राह निजात छोटी है, अली का जिक्र बड़ा है, हयात छोटी है। अली को क्यों न मैं मौलाए कायनात कहूं, अली का नाम बड़ा, कायनात छोटी है। आओ मुश्किल कुशा निशान सुनो, मुश्किल कुशा की जान सुनो, अली है बोल कुरान सुनो। भाई और तमाम यहाँ मौजूद तशरीफ फरमा है, एक खता पेश कर रहा हूँ। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कतरे के मुकद्दर हैदर को समझ पाए भला कैसे ये दुनिया, दुनिया की समझ में खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। बनी थी तेरा रजब एक लकीर काबे में, बनी थी तेरा रजब एक लकीर काबे में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। Yeah.
अंदाज जरा भरपूर अंदाज से, भरपूर अंदाज से। या अली नारा हैदरी। अच्छा जी, क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला जो है शुरू हो गया है हमारा, और तीन टीम्स हमारे साथ हैं। ऑफ कोर्स ये हमारा क्विज का राउंड है। टीम ए में हमारे साथ शामिल हैं अतीकुर रहमान साहब और शबाना अतीक, आप शादीशुदा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। रूल्स सबको पता हैं, आपको मालूम है एग्जैक्टली करना क्या है। जी सर। टीम बी में हमारे साथ हैं बुशरा जावेद एंड मास जावेद, मदर एंड डॉटर। अस्सलाम वालेकुम जी वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। मे द बेस्ट टीम विन। आपको जवाब पता है एग्जैक्टली, मतलब सिस्टम पता है कि क्या करना है। जी बिल्कुल। ऑलराइट, टीम सी में हमारे साथ हैं मोहम्मद रजीउद्दीन एंड महम नियाज, महम नाज, फादर एंड डॉटर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आपको भी पता है एग्जैक्टली क्या करना है। जी बिल्कुल। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं जाता हूं सवालात की जानिब। एक सवाल चार जवाब, बजर चारों जवाब के खात्मे पे बजेगी, तालियां होनी चाहिए। हियर वी गो। पाकिस्तान के पहले शहीद वजीर आजम का नाम बताइए। यहां आपको मार्जिन नहीं मिल सकता, नेगेटिव वन, नेगेटिव वन। टीम सी बजर नहीं बजा सकती, टीम ए और बी के लिए सवाल है। पाकिस्तान के पहले शहीद वजीर आजम का नाम बताइए। सिकंदर मिर्जा, जनरल याहिया, लियाकत अली खान या जियाउल हक। ए, लियाकत अली खान। जवाब दुरुस्त है। मशहूर मुसलमान साइंसदान इब्ने खुलदून का अपना नाम क्या था? अब्दुल्ला, अब्दुल अजीज, मोहम्मद अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान। ए, अब्दुल रहमान। जवाब दुरुस्त है, अब्दुल रहमान। कोलंबो किस मुल्क के दारुल हुकूमत या कैपिटल का नाम है? अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका। पहले बजिए, इन्हें पहले बजाइए, हाँ या ना? नहीं। ए, श्रीलंका। जवाब सही है, श्रीलंका। सवाल गौर से सुनिएगा। डॉक्टर महातिर मोहम्मद किस मुल्क के सदर रहे? इंडोनेशिया, टर्की, सूडान और मलेशिया। फिर आपने पहले बजाई, फिर आपने पहले बजाई। टीम सी इज आउट। डॉक्टर महातिर मोहम्मद किस मुल्क के सदर रहे? इंडोनेशिया, टर्की, सूडान या मलेशिया। ए, मलेशिया। जवाब सही है, मलेशिया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कितने साल की उम्र पाई? 56 साल, 60 साल, 70 साल या 50 साल। बी, 50 साल। जी नहीं। कोई भी जवाब दे सकता है। 56 साल। मुमलिकते लिबिया की सरकारी जबान कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अंग्रेजी, फारसी, लिबियाई या अरबी। ए, अरबी। जवाब दुरुस्त है। ये बताइए सूबह पंजाब के कितने डिविजन्स हैं? 10, 12, 6 या 8। सी, 8। जवाब दुरुस्त है। इब्ने बतूता किस शोबे में मशहूर थे? डॉक्टर, आलिम दीन, जज या सैया। ए, सैया। जवाब दुरुस्त है। ये हमारा पहला राउंड एमसीक्यूज का खत्म होता है। पहले राउंड के खात्मे पर टीम सी ने लिया है 1 पॉइंट नेगेटिव मार्किंग के बाद। टीम सी इसके साथ तीसरे नंबर पे है। टीम बी अभी तक कोई पॉइंट स्कोर नहीं कर सकी है और टीम ए 6 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
All right, जी, once again, welcome back. और मैं जहाँ हूँ वहाँ नेस्ले है. नेस्ले प्योर लाइफ वाटर. ऑफ कोर्स आपको पता है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की. ये 100% खालिस होता है और जीरो कैलोरीज इसके अंदर हैं. सो नेस्ले प्योर वाटर, थैंक यू वेरी मच. 6:15 हो चुके हैं, 45 मिनट रह गए हैं लाहौर में अफ्तार के लिए और इसके बाद तकरीबन 1 घंटा बाकी है कराची में अफ्तार के लिए. जब आप उसके बाद अपने आप को हाइड्रेट करना चाहें तो याद रखिए NPL नेस्ले प्योर लाइफ इज द ओनली सोर्स टू हाइड्रेट योरसेल्फ. थैंक यू नेस्ले, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, अब मैं कोशिश ये करूँगा कि इसी ब्रेक के अंदर मैं इसका फैसला कर सकूँ. दूसरा मरहला है यस एंड नो का. ज़रा मेरे इसको माइक को तेज़ कर दीजिएगा. यस एंड नो का. अब आपने सवाल सुनना है, कोई कैद नहीं है. सवाल सुनने के बाद आप बजर बजा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मत बजाइएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी. वंस अगेन, ये किसी का भी गेम है. पाकिस्तान का पहला एटमी घर कराची में वाकई है. बी नहीं, पहला एटमी घर जी वाकई है. ईस्ट इंडिया कंपनी अफ्रीका ने कायम की थी. ए नहीं, किसने की थी? बर्तानिया. बर्तानिया, जवाब दुरुस्त है. शहर कराची सतह समंदर से बुलंद है, हाँ या ना? बी नहीं. नहीं, जवाब दुरुस्त है. आप लोग तालियां बिल्कुल भी नहीं बजा रहे हैं, गलत है. इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर उजू दिल होता है. बी नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है. सबसे ताकतवर उजू दिल ही होता है. मसल, सबसे ज्यादा ताकतवर मसल जो होता है वो दिल का ही होता है. इल्म मंतक को अरबी में खलीफा हारून रशीद ने मुंतकिल किया. अरबी में इल्म मंतक को खलीफा हारून रशीद ने मुंतकिल किया. लॉजिक कहते हैं इल्म मंतक को अरबी में खलीफा. जी यस नहीं, मामून रशीद ने. कल गद्दाफी फलस्तीन के सदर थे. ए नहीं, लीबिया के सदर थे, जवाब दुरुस्त है. जनरल अयूब खान की मुखालफत जनरल याया खान ने की थी. जी नहीं, ताजिकिस्तान ने चीन से आजादी हासिल की. सी रशिया से, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, यानी नहीं. पाकिस्तान रेलवे का हेडक्वार्टर कराची में है. बी नहीं, जवाब दुरुस्त है, लाहौर में है. मशहूर कहानी, मशहूर कहानी नवीस इश्तियाक अहमद का इंतकाल इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे हुआ था. ए जी हाँ. नहीं, इश्तियाक अहमद कराची एयरपोर्ट. इटली का दारुल हुकूमत रोम है. यस, जवाब दुरुस्त है. अब आप बजर कभी भी बजा सकते हैं. तीसरे राउंड में हम दाखिल हो गए हैं. एक सदी में कितने साल होते हैं? सी 100. 100 साल, जवाब दुरुस्त है. पाकिस्तान के किस सूबे का चौसा आम बहुत मशहूर है? ए सूबा सिंध. चौसा सूबा पंजाब. आपने जवाब दे चुके हैं. बहरहाल ये जवाब मैं नहीं मानूंगा, आपने इसके बाद कहा है. पहली खिलाबाज आसमान से गिरा खजूर में. सी खजूर मैट का. खजूर मैट का, जवाब दुरुस्त है. क्रिकेट मैच में कुल कितने अंपायर्स होते हैं? तीन. तीन अंपायर्स होते हैं, जवाब सही है. ख्वाजा हसन बसरी कहां के रहने वाले थे? बी बसरा के. बसरा के रहने वाले थे. अल बैरूनी का पूरा नाम बताइए. अबू मूसा अल बैरूनी. अबू रेहान अल बैरूनी, जवाब गलत है. मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल खिलाफे का नाम? जी अबू धाबी, जवाब दुरुस्त है. पाकिस्तान का माशी हब किस शहर को कहा जाता है? कराची. कराची को, जवाब दुरुस्त है. जजीरा किस जबान का लफ्ज है? ए अरबी. अरबी जबान का लफ्ज है. आखिरी सवाल, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में गैस किस मकाम पर पाई जाती है? ए सुई के मकाम पे, जवाब दुरुस्त है. हमारे क्वार्टर फाइनल का ये मरहला खत्म होता है और सब टीम्स ने अच्छा खेला. टीम सी, आप दूसरे नंबर पर रहे हैं 5 पॉइंट के साथ. टीम बी, आप तीसरे नंबर पर रहे हैं 3 पॉइंट्स के साथ. और आज के फाते
और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले टीम ए मिस्टर एंड मिसेस अतीक 13 पॉइंट के साथ आप एडवांस करते हैं। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ जी जी, दरअसल मैं इस तारीख के 20 तारीख को मेरा उम्रे पे जाने का इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम है और प्रोसेस में है मेरा वीज़ा, तो मैं शायद हो सकता है कि सेमीफाइनल तक, तो मैं शायद अगर मैं सेमीफाइनल जीत भी जाता हूँ तो मैं फाइनल में नहीं पार्टिसिपेट कर सकूँगा। तो क्या कह रही हैं आप? तो मैं अपनी जगह किसी और को, अगर अपने फैमिली में सही किसी को, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता दिया कि मैं फाइनल, अगर सेमीफाइनल में जीत भी जाता हूँ तो मैं फाइनल में नहीं जाऊँगा। किसे बुलाना चाहते हैं? बेटे को और अपनी सिस्टर को। ये एक हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता भाई, उनकी सलाहियत अलग है, उनकी सलाहियत अलग है। इम्तहान में से गुजरे, ये वो कैंडिडेट ही नहीं रहे, या कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता ना ऐसा। मैं डॉक्टर साहब की राय को बहुत अहमियत देता हूँ, लेकिन उम्र की जो सादत है ना वो एक ऐसी है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ किसी को रोकना नहीं, आप रोक ही नहीं सकते किसी भी सेंस में नहीं। अगर कोई सूरत ऐसी हो जाए उनके जाने से पहले फाइनल, अल्टरनेट अपना दे रहे हैं, बंदा अल्टरनेट दे रहे हैं मेरे, फाइनल तक उनके जाने से पहले कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। किबला, अगर वो इस बात के ऊपर एग्री हैं कि वो हारें या जीतें, अगर उनका कैंडिडेट जो दूसरा आता है वो कमजोर होता है। लॉजिक ये है, कैंडिडेट ये रहे शुरू से, वो कैंडिडेट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट रूल के खिलाफ है। ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे इम्तहान में असली उम्मीदवार की जगह किसी और को बिठा दिया। हाँ, लेकिन जब 11वां खिलाड़ी जाता है तो 11वां खिलाड़ी खेल तो रहा होता है ना, 12वां खिलाड़ी खेलता तो नहीं। वो हमारी टीम में 11वां खिलाड़ी नहीं है ना, बहरहाल वो उम्र पे जाना चाहते हैं तो उसको हम रोक नहीं सकते। बिल्कुल हम ये फैसिलिटी तो दे सकते हैं अपने प्रोग्राम में, इस तरह कोई शेड्यूलिंग करें कि वो सेमीफाइनल पहले हो जाए। देखिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास बहुत सारे और कैंडिडेट्स जो हैं वो बाकी हैं, तो लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़रूर किया जा सकता है कि हम इस मसले पे गौर करें, कल इसका हल बताएं। बहुत मुझे, शुक्रिया सर। मुझे ऐसे लगता है, देखिए रोकना ही नहीं चाहिए, आपको सादत मिल रही है आप ज़रूर जाइए। बिल्कुल जाना ये चाहिए। बाकी तमाम चीज़ें दुनियावी कोई मुकाबले जो हैं ये कोई माने नहीं रखते, रोक नहीं रहे उनको, बिल्कुल ये कोई माने नहीं रखते, दुनियावी मुकाबले बिल्कुल कोई माने नहीं रखते, तो आप ज़रूर जाइए। ये अब आप हम पे छोड़ें कि हम उसका क्या मैकेनिज्म निकालते हैं और आपके साथ भी हम इंसाफ कर पाएं और साथ साथ दूसरों के साथ भी इंसाफ। बहुत अच्छी, लेकिन ये बात तो तय है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको मदीना लेके जा रहा है। आप जाएंगे, जरूर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। और हमें भी वहाँ दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। साढ़े छः तकरीबन बज चुके हैं, ज़रा सा ऊपर है साढ़े छः से, अब तकरीबन 30 मिनट रह गए हैं लाहौर की अजान में और 45 मिनट रह गए हैं कराची की अजान में। आपको पता है कि जब भी आप अपने आप को हाइड्रेट करना चाहेंगे तो सिर्फ आप एक ही सोर्स की तरफ जाएंगे, वो है नेस्ले का प्योर लाइफ वाटर। ऑफकोर्स आपको पता है 150 साल पुरानी कंपनी है, ज़ीरो कैलोरीज हैं इस पानी में, तो जब भी आपको हाइड्रेट करना हो आप सिर्फ और सिर्फ नेस्ले प्योर लाइफ पे एतमाद करें। थैंक यू नेस्ले, बहुत 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 शुक्रिया। मैं यहाँ पर एक बच्चे की तरफ आ रहा हूँ, आई थिंक जाफर नाम है उस बच्चे का, और मैं चाहता हूँ मुझे एक माइक दे दीजिएगा प्लीज़, एक माइक ला दीजिए। जाफर यहाँ आइए, यहाँ आइए, और मैं चाहता हूँ, मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि इनसे कलाम सुना जाए, तो मैं चाहता हूँ क्या पढ़ेंगे आप, पढ़िए। ए सब्ज गुंबद वाले मन जूर दो
جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے بہت خوبصورت. فرحان آپ کی طرف آتا ہوں اگر کچھ عطا ہو سکے تو. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. زمین پر ناتے رسول خدا گئے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے ہاتھ بلند کریے رسول خدا کی, یہ دعا کریں کہ ہم رسول خدا کی زیارت کر سکیں مدینہ منورہ جا کے. ہاتھ بلند کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ داتا وہ مالا جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. کون کون یہ نعت مدینہ منورہ جا کر پڑھنا چاہتا ہے دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں. خدا اس دعا کو اس نعت کے صدقے میں قبول فرمائے. ہاتھ بلند کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا
پردہ خدا کا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا سبحان اللہ سبحان شکریہ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے آمین آمین میں مائک آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر کلام عطا ہو سکے تو چونکہ میں 20 رمضان کو آپ کے پاس ہوں گا شاید افطار میں تو حضرت مولا کائنات کی مناسبت سے بسم اللہ کلام کی جگہ شعور و عرفان آ گئی ہے علی علی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے شعور و عرفان آ گئی ہے علی 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 ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ اس میں عادت سوال کی ہے نہ فکر مال و منال کی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نہ اس میں عادت فکر مال و منال کی ہے کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے علی علی ہے جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن عیسائی نے جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن عیسائی نے میں خدا کی وہ آیت جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے خدا کی وہ آیت جلی ہے علی علی ہے ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی 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 ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گفتگو تو نہیں ہو پائے گی لیکن بچوں کی تربیت کے متعلق سوال ہے پہلے آپ سے پھر آپ سے بس دو جملے کہوں گا دو منٹ میرے اور دو منٹ فضل بھائی کے لیے کہ حضرت علی کی بھی بات مسلسل چل رہی تھی تو بس میں وہیں سے شروع کروں گا کہ میرے مولا کا وہ قول کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اپنے زمانے کے لحاظ سے نہیں بلکہ آئندہ کے زمانے کے لحاظ سے تربیت اور جب آپ آئندہ کے لحاظ سے تربیت کریں گے اپنے بچوں کی تو زمانہ ان سے آگے نہیں ہوگا وہ زمانے سے آگے ہوگا اور ان کو کسی بھی زمانے کی بات بہتر سمجھ آئے گی وہ زمانہ
زمانے کو اپنے پیچھے چلائے گا زمانے کے پیچھے نہیں چلے گا اور بس دوسری بات میں کہوں گا کہ اپنی زندگی کو بچوں کے حوالے سے تین حصے میں میرے مولا کا ہی قول ہے کہ بچوں کو تین حیثیت سے دیکھا کرو ایک پہلا حصہ وہ ہے کہ جو اس کا آٹھ سال سمجھ لیجئے کہ جو وہ بادشاہ ہوتا ہے اور آٹھ سے سمجھ لیجئے کہ سولہ سال تک جو ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ تمہارا غلام ہوتا ہے اور سولہ سال سے چوبیس سال تک وہ تمہارا وزیر ہوتا ہے یہ تین کلاسز ہیں بچوں کی اگر مائیں اور باپ یہ کام انجام دے دیں کہ پہلے مرحلے میں اس کو بادشاہ بنا دیں دوسرے مرحلے میں غلام بنا لیں ساری خوبی اور خرابی یہ آٹھ سے سولہ میں آتی ہے یاد رکھیے گا اس کے اوپر پوری نگاہ اور پوری گرپ اگر آ جائے اور اس کو جو کچھ دینا ہے اس کے اندر بھرنا ہے نا جتنا آپ بھر رہے تھے ابھی ایدیب صاحب کے لیے تو میں کہوں گا اس کو بھرو اور پھر اس کے بعد وزیر جب بنے تو اس سے کہوں اب تمہیں میں چیک کر رہا ہوں یعنی گویا اس کو اپنے اختیارات منتقل کرنا شروع کر دو تاکہ اس کی ٹریننگ مکمل ہو جائے بس اس سے زیادہ اس وقت کچھ نہیں کہوں گا خوبصورت بات جی واہ 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 کیا بات ہے سبحان ہمارے اصل میں معاشرہ جو بگڑ رہا ہے یہ ماں کی گود جو ہے پہلا مدرسہ ہے بے شک یہاں سے تربیت جو ہوتی ہے وہ زندگی بھر چلتی ہے اگر یہیں اچھی تربیت بچوں کو ملے گی تو یقیناً وہ اچھا شہری بھی بنے گا اچھا مسلمان بھی بنے گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جو بہترین تحفہ بچوں کو دے سکتے ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے آج ماں باپ بچوں پہ کنٹرول نہیں کرتے دیکھ بھال نہیں کرتے انہیں خبر ہی نہیں ان کے بچے کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں دوست کون ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں کے دوستوں کی فہرست ہوتی تھی مغرب کے بعد بچے زیادہ باہر نہیں رہنے دیا جاتا تھا آج ہمارا تربیت کا نظام تباہ ہو گیا ہے لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے جو بو گے وہی کاٹو گے اگر یہ بچوں کو آج آپ نے صحیح اصولوں پر تربیت کی انشاءاللہ آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں نیسلے کی طرف دوبارہ جاتا ہوں 6:45 تقریباً ہوا چاہتے ہیں 15 منٹ بعد ہو چکے ہیں 15 منٹ بعد لاہور اس کے مضافات میں تقریباً 15 منٹ بعد اذان مغرب کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہے گا اور آف کورس ابھی کراچی میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ این پی ایل پیورسٹ واٹر ہے زیرو کیلوریز اس میں شامل ہیں جب بھی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا ہو این پی ایل پہ نیشنل نسلے پیور لائف پہ ہمیشہ ٹرسٹ رکھیے تھینک یو نسلے لاہور اور اس کے مضافات میں اب سے کچھ دیر بعد اذان کا وقت ہوگا آئیے چلتے ہیں السلام علیکم ونس اگین ویلکم بیک اور یہ میرا فیورٹ ترین سیگمنٹ ہے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کنزا زور سے بولیے کنزا اور روزہ لگ رہا ہے لگ رہا ہے تھوڑی سی دیر رہ گئی کنزا کیا عمر ہے آپ کی کیا عمر ہے 5 years 6 years 7 years 8 years کتنے سال کی ہیں آپ نائن نائن کی آپ کا نام کیا ہے زوہا اور زوہا آپ کا آج روزہ ہے کتنے بجے رکھا تھا صبح 3 بجے کیا کھایا تھا صبح سحری میں انڈا پراٹھا بھوک لگ رہی ہے ابھی لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی نا لیکن بہت ساری چیزیں ہیں سو بہت آرام سے کھل جائے گا صحیح ہے نا اوکے آپ کا نام کیا ہے نور الصبا آپ نے کتنے بجے رکھا تھا روزہ صبح رکھا تھا 3 بجے رکھ لیا تھا اس کے بعد سے کچھ کھایا تو نہیں نا پکا نا بالکل بھوک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی تھوڑی 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 لیکن دیکھو اب روزہ رکھ دیا تو پھر آپ ساری عمر کے لیے روزہ رکھنے ہیں ہمیشہ چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور میرے پاس تمہارے لیے جو گفٹس ہیں میں بتا دوں جامع شیری آف کورس 100% پیور خالص ارکیات سے مل کے بنایا دی نیشنل ڈرنک آف پاکستان تھینک یو سو مچ آف کورس وی ہیو گاٹ اسپرائٹ تھینک یو سو ویری مچ بہت 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 شکریہ دودھ ملا کے پیجیں خالص انرجی ڈرنک ہے تھینک یو سو مچ نیسلے پیور واٹر آف کورس 150 سال پرانی کمپنی ہے زیرو کیلریز کے ساتھ دس از دا پیورسٹ واٹر تھینک یو سو مچ اینڈ آف کورس وین اٹ کمز ٹو کریمی ڈیلائٹ دیر از اونلی ون نیم اینڈ دیٹ از والز تھینک یو سو ویری مچ بہت بہت شکریہ ساتھ ساتھ کے ایف سی کا بہت شکریہ تھینک یو سو مچ کے ایف سی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ہمیشہ اسپانسر کرتے ہیں تھینک یو سو ویری مچ بہت بہت شکریہ اینڈ دین آف کورس استنبول گرل سے کراچی بحریہ کے اندر استنبول گرل کے یہ دو واؤچرز ہیں جو آپ کے لیے ہیں
आप तीनों बच्चों के लिए हैं, साथ साथ हमारे पास कर्शी जामे शीरी के, डायमंड सुप्रीम के, मिलेनियम टैब्स, ये तमाम के तमाम हम आपको देंगे। लेकिन आप तीनों ने मेरे साथ एक काम करना है, जल्दी से उठना है यहाँ से और मेरे पीछे पीछे आना है। आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। ये माइक उधर रख दीजिए और मेरे पास आ जाइए। अच्छा जी, मैं इनको लेके आ रहा हूँ लाइफ बॉय के पास, जहाँ 99.99% जरासीम का खात्मा लाइफ बॉय कर देता है। दिखाइए आपको अपने हाथ धोने, दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच, आप आ जाइए, आगे आ जाइए। थैंक यू, आप दिखाइए अपना हाथ, दिखाइए, सामने आइए बेटा, सामने आइए। ओके, अब इसको रब करना है आपने, बहुत आपको दिया मैंने। ओके, अब इसको अच्छी तरह से रब कीजिए और अपने हाथ को ऐसे करके धो लीजिए। 99.99% जरासीम का खात्मा लाइफ बॉय एक्टिव सिल्वर कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए, आ जाइए जी, धोइए धोइए, हाथ धोइए। थैंक यू सो मच, एंड हो गया, दिस इज फॉर यू, ये ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप आ जाए बेटा। थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी हो गया, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, आप लोग बैठ जाए जाके। थैंक यू सो वेरी मच, हो गया, बिल्कुल हो गया। नाउ आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन हो गए। थैंक यू लाइफ बॉय, बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ बॉय एक्टिव सिल्वर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फसी भाई की तरफ जा रहा हूँ। फसी भाई, अगर कोई कलाम अता हो सके तो। आप ही हैं यार गारे मुस्तफा, आप ही हैं यार गारे मुस्तफा, हजरत सिद्दीक अकबर मरहबा, हजरत सिद्दीक अकबर मरहबा। है दुआए रहमतुल आलमीन, है दुआए रहमतुल आलमीन, हजरत फारूक आजम बाखुदा, हजरत फारूक आजम बाखुदा, हजरत उस्मान ज़ुनूरैन से, हजरत उस्मान ज़ुनूरैन से, आका कहते हैं हयाने की हया, कहते हैं हया ने की हया, इल्म का दर फातिमा के सर का था, इल्म का दर फातिमा के सर का था, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। दरख्वास्त आपसे है, अगर दुआ हो जाए, दुआ के लिए हाथ उठाइए, कबूलियत की घड़ी होती है। पूरे दिल के साथ दुआ मांगिए, अल्लाह ताला आपकी मुरादों को पूरा करे और आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब करे। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم اے اللہ اے خالق تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت یہی ہے کہ ان کی امت بخشی جائے اے اللہ عشر مغفرت جاری ہے تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ اللہ تو ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما ہمارے بچوں کی مغفرت کر ہمارے اہل خانہ کی مغفرت کر یا رحمان یا رحیم
سید واجد علی شاہ سہروردی کی مغفرت فرما دے. علیزہ خان اور ان کی والدہ لبنہ مختار کا پچھلے دنوں وصال ہوا, ان کی بے حساب بخشش مغفرت کر. اے اللہ کتنے دکھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں. اے اللہ آج ایک فون آیا غالباً راولپنڈی سے تھا, مجھے بتایا گیا 15 سال سے کومے میں ہیں. اے خالق اے مالک کتنا تیرا کرم ہے کہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, کتنا تیرا کرم ہے کہ ہم بڑی بڑی مصیبتوں سے پریشانیوں سے آزاد ہیں. اے اللہ اے رحمان تو اس مریض پر کرم نازل فرما دے. یا رحمان رضوان کے والد انوار خان شدید بیمار ہیں, اللہ تو انہیں بھی شفا عطا کر دے. اے اللہ مہک کو ٹی بی کا مرض ہے. اے رحمان غلام جیلانی کو کینسر کا مرض ہے. اے اللہ غلام جیلانی کو غوث اعظم جیلانی کے صدقے میں شفا عطا کر دے. یا رحمان یا رحیم خالق و مالک, اے اللہ جو بھی مریض جو پریشان حال ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے, اللہ تو سب کی پریشانیاں دور کر. اے رحمان اے رحیم کتنے ہی بے روزگار ہمارے ساتھ ہاتھوں کو پھیلائے حاضر ہیں, اے اللہ تو ان بے روزگاروں کو ان کے بچوں کے صدقے رزق حلال عطا کر دے. آمین. یا رحمان یا رحیم اے خالق اے مالک ہم تیرے عاجز بندے ہیں, تیرے محبوب کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. اے اللہ خلفائے راشدین کی عظمتوں کا صدقہ یا رحمان تو سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ بے اولادوں کی سنی گود کو آباد کر دے, بے گھروں کا ذاتی گھر عطا کر. اور اے اللہ ان لمحات میں جو کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, جس کا طواف تیری بارگاہ میں قبول ہے, جس کی لبیک تیرے حضور قبول ہے, اے اللہ ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک بار تیرے گھر کا طواف کریں. ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ ایک بار روزے رسول پر حاضر دیں. اے اللہ یہ آنسو بہتے ہوئے یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں. اے خالق اے مالک اے حنان اے منان جو در رسول پر حاضر ہیں, ان کا واسطہ اسی سال مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما دے. ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں اے اللہ سب حاضری کا شوق رکھتے ہیں, حج کا شوق رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا واسطہ جو صدا انہوں نے لگائی اور جنہوں نے لبیک کہا جن کو تو حج کی سعادت عطا کرے گا, اللہ انہی کا واسطہ اسی سال ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت فرما دے. اللہ پاکستان کی حفاظت کر, اللہ ہمارے وطن کی حفاظت کر, عالم اسلام پر خیر نازل کر. اللہ سب کی دعاؤں کو مقبول مستجاب فرما. جب دمی واپسی ہو یا اللہ لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام لوگوں سے التماس ہے کہ آپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ ہمیں پہلے سے لکھ کے دے دیا کریں, یا آپ ٹیلی فون کر کے بتا سکتے ہیں. اور ہم مفتی غلام دستگیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں, التماس کرتے ہیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو آپ یہ دعائیں مانگیں. یہاں اجتماعی دعا مانگنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ مزید اور رحمتیں نازل کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کی مشکلات اور مصائب کو حل کرے. کراچی اور اس کے مضافات میں اب نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے چلتے ہیں اذان کی جانب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة